नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको रामपुर का लक्ष्मण मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। रामपुर का लक्ष्मण। रामपुर का लक्ष्मण 1972 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांस ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन मनमोहन देसाई ने किया है। 1978 में फिल्म का तमिल में पुनर्निर्माण किया गया, जिसका शीर्षक मंगुड़ी माइनर था। निर्देशक मनमोहन देसाई द्वारा निर्मित ए नाडियाडवाला, अभिनीत रणधीर कपूर, रेखा शत्रुघ्न सिन्हा, छायांकन सुधीन मजुमदार द्वारा संपादित कमलाकर करखानेस, संगीत दिया है आर डी बर्मन द्वारा वितरित एजी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड। रिलीज की तारीख 1972। देश भारत। भाषा हिंदी। सार: केदारनाथ भार्गव, उनकी पत्नी लक्ष्मी और दो बेटे राम और लक्ष्मण बेघर हैं। यात्रा के दौरान उनकी ट्रेन पटरी से उतर जाती है और लक्ष्मण तीन समूह में बंट जाता है। लक्ष्मी बॉम्बे की मेयर और उनकी बेटी रेखा के घर में नौकरानी के रूप में काम करती है। राम का एक पेशेवर अपराधी द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। केदारनाथ और लक्ष्मण साथ हैं। रतनलाल वर्मा प्रकाश नाम के एक बेटे के साथ एक दयालु व्यक्ति लक्ष्मण के बचाव में आता है। एक ट्रक द्वारा चलाया जाता है और अपंग हो जाता है। केदारनाथ और लक्ष्मण रतनलाल के गांव रामपुर में स्थानांतरित हो जाते हैं और वे एक परिवार के रूप में एक साथ रहते हैं। वर्षों बाद प्रकाश बड़ा होता है और बम्बई चला जाता है, जहां उसे एक जौहरी के यहां रोज़गार मिलता है। जब रतनलाल ने दो महीने तक उसकी बात नहीं मानी तो उसने लक्ष्मण को बम्बई जाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि प्रकाश ठीक है। बम्बई पहुंचने पर लक्ष्मण को पता चलता है कि प्रकाश को पुलिस ने कुंदन कुमार नाम के एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। बाद में उसे दोषी पाया गया और उसे फांसी की सजा दी गई। लक्ष्मण यह पता लगाने का जिम्मा अपने ऊपर लेते हैं कि वास्तव में कुंदन को किसने मारा था। वह लुई डिसूजा का भेष धारण करता है और खुद को सर्प गिरोह में शामिल कर लेता है। लक्ष्मण नहीं जानता कि इस गिरोह का सरगना कुमार कोई और नहीं बल्कि उसका भाई राम है। जब लक्ष्मण को पता चलता है तो उन्हें एक विकल्प चुनना चाहिए, चाहे निर्दोष प्रकाश को फांसी पर चढ़ाया जाए या अपने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया जाए। देखना, लक्ष्मण भार्गव के रूप में रणधीर कपूर, रेखा के रूप में रेखा चौधरी, शत्रुघ्न सिन्हा, राम भार्गव ओब्लिक कुमार के रूप में पन्ना खन्ना, जूली के रूप में पीटर के रूप में रंजीत, मनमोहन कृष्ण केदारनाथ भार्गव के रूप में सुलोचना लटकर, लक्ष्मी भार्गव के रूप में राज मेहरा, महापौर चौधरी के रूप में छगन लाल पांडे के रूप में रूपेश कुमार, रमेश देव के रूप में प्रकाश वर्मा, रतनलाल वर्मा के रूप में रणधीर फरियाल, कैबरी डांसर के रूप में श्याम कुमार, लुइस डिसूजा के रूप में बीजू खोटे, माइकल के रूप में राम के अपहरणकर्ता के रूप में रामायण तिवारी, भूषण तिवारी भूषण के रूप में पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में रणधीर राज, संगीत गीत काहे अपने के रूसी संगीतकार सरगेई प्रोकोफेव द्वारा लेफ्टिनेंट कीजे सूट से रोमांस थीम का नमूना है। गाना नंबर एक अलविला रे रुक जाना, इस गाने की गायिका लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर दो गुम है किसी के प्यार में दिल सोए शाम, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर और किशोर कुमार हैं। गाना नंबर तीन प्यार का समय कम है जहां लड़के हैं लोग कैसे वहां क्यों मेरे यार, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी हैं।
गाना नंबर 4 रामपुर का वासी हूँ, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर 5 काहे अपनों के एकल, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर 6 काहे अपनों के काम नहीं आए तू डुएट, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 7 सांवला रंग है मेरा, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको रामपुर का लक्ष्मण मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। रामपुर का लक्ष्मण। रामपुर का लक्ष्मण 1972 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांस ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन मनमोहन देसाई ने किया है। 1978 में फिल्म का तमिल में पुनर्निर्माण किया गया, जिसका शीर्षक मंगुड़ी माइनर था। निर्देशक मनमोहन देसाई द्वारा निर्मित ए नाडियाडवाला, अभिनीत रणधीर कपूर, रेखा शत्रुघ्न सिन्हा, छायांकन सुधीन मजुमदार द्वारा संपादित कमलाकर करखानेस, संगीत दिया है आर डी बर्मन द्वारा वितरित एजी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड। रिलीज की तारीख 1972। देश भारत। भाषा हिंदी। सार केदारनाथ भार्गव, उनकी पत्नी लक्ष्मी और दो बेटे राम और लक्ष्मण बेघर हैं। यात्रा के दौरान उनकी ट्रेन पटरी से उतर जाती है और लक्ष्मण 3 समूह में बंट जाता है। लक्ष्मी बॉम्बे की मेयर और उनकी बेटी रेखा के घर में नौकरानी के रूप में काम करती है। राम का एक पेशेवर अपराधी द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। केदारनाथ और लक्ष्मण साथ हैं। रतनलाल वर्मा प्रकाश नाम के एक बेटे के साथ एक दयालु व्यक्ति लक्ष्मण के बचाव में आता है। एक ट्रक द्वारा चलाया जाता है और अपंग हो जाता है। केदारनाथ और लक्ष्मण रतनलाल के गांव रामपुर में स्थानांतरित हो जाते हैं और वे एक परिवार के रूप में एक साथ रहते हैं। वर्षों बाद प्रकाश बड़ा होता है और बम्बई चला जाता है, जहां उसे एक जौहरी के यहां रोज़गार मिलता है। जब रतनलाल ने 2 महीने तक उसकी बात नहीं मानी तो उसने लक्ष्मण को बम्बई जाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि प्रकाश ठीक है। बम्बई पहुंचने पर लक्ष्मण को पता चलता है कि प्रकाश को पुलिस ने कुंदन कुमार नाम के एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। बाद में उसे दोषी पाया गया और उसे फांसी की सजा दी गई। लक्ष्मण यह पता लगाने का जिम्मा अपने ऊपर लेते हैं कि वास्तव में कुंदन को किसने मारा था। वह लुई डिसूजा का वेश धारण करता है और खुद को सर्प गिरोह में शामिल कर लेता है। लक्ष्मण नहीं जानता कि इस गिरोह का सरगना कुमार कोई और नहीं बल्कि उसका भाई राम है। जब लक्ष्मण को पता चलता है तो उन्हें एक विकल्प चुनना चाहिए, चाहे निर्दोष प्रकाश को फांसी पर चढ़ाया जाए या अपने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया जाए। देखना, लक्ष्मण भार्गव के रूप में रणधीर कपूर, रेखा के रूप में रेखा चौधरी, शत्रुघ्न सिन्हा, राम भार्गव ओब्लिक कुमार के रूप में पन्ना खन्ना, जूली के रूप में पीटर के रूप में रंजीत, मनमोहन कृष्ण केदारनाथ भार्गव के रूप में सुलोचना लटकर, लक्ष्मी भार्गव के रूप में राज मेहरा, महापौर चौधरी के रूप में छगन लाल पांडे के रूप में रूपेश कुमार, रमेश देव के रूप में प्रकाश वर्मा, रतनलाल वर्मा के रूप में रणधीर फरियाल, कैबरी डांसर के रूप में श्याम कुमार, लुइस डिसूजा के रूप में बीजू खोटे, माइकल के रूप में राम के अपहरणकर्ता के रूप में रामायण तिवारी, भूषण तिवारी भूषण के रूप में
पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में रणधीर राज संगीत गीत काहे अपने के रूसी संगीतकार सरगेई प्रोकोफेव द्वारा लेफ्टिनेंट कीजे सूट से रोमांस थीम का नमूना है। गाना नंबर एक अलविला रे रुक जाना, इस गाने की गायिका लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर दो गुम है किसी के प्यार में दिल सोए शाम, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर और किशोर कुमार हैं। गाना नंबर तीन प्यार का समय कम है जहां लड़के हैं लोग कैसे वहां क्यों मेरे यार, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी हैं। गाना नंबर चार रामपुर का वासी हूँ, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर पाँच काहे अपनों के एकल, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर छः काहे अपनों के काम नहीं आए तू डुएट, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर सात सांवला रंग है मेरा, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको रामपुर का लक्ष्मण मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। रामपुर का लक्ष्मण, रामपुर का लक्ष्मण 1972 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांस ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मनमोहन देसाई ने किया है। 1978 में फिल्म का तमिल में पुनर्निर्माण किया गया जिसका शीर्षक मंगुड़ी माइनर था। निर्देशक मनमोहन देसाई द्वारा निर्मित ए नाडियाडवाला, अभिनीत रणधीर कपूर, रेखा शत्रुघ्न सिन्हा, छायांकन सुधीन मजुमदार द्वारा संपादित कमलाकर करखानेस, संगीत दिया है आरडी बर्मन द्वारा वितरित एजी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड। रिलीज की तारीख 1972। देश भारत। भाषा हिंदी। सार केदारनाथ भार्गव, उनकी पत्नी लक्ष्मी और दो बेटे राम और लक्ष्मण बेघर हैं। यात्रा के दौरान उनकी ट्रेन पटरी से उतर जाती है और लक्ष्मण तीन समूह में बढ़ जाता है। लक्ष्मी बॉम्बे की मेयर और उनकी बेटी रेखा के घर में नौकरानी के रूप में काम करती है। राम का एक पेशेवर अपराधी द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। केदारनाथ और लक्ष्मण साथ हैं। रतनलाल वर्मा प्रकाश नाम के एक बेटे के साथ एक दयालु व्यक्ति लक्ष्मण के बचाव में आता है। एक ट्रक द्वारा चलाया जाता है और अपंग हो जाता है। केदारनाथ और लक्ष्मण रतनलाल के गांव रामपुर में स्थानांतरित हो जाते हैं और वे एक परिवार के रूप में एक साथ रहते हैं। वर्षों बाद प्रकाश बड़ा होता है और बम्बई चला जाता है जहां उसे एक जौहरी के यहां रोज़गार मिलता है। जब रतनलाल ने दो महीने तक उसकी बात नहीं मानी तो उसने लक्ष्मण को बम्बई जाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि प्रकाश ठीक है। बम्बई पहुंचने पर लक्ष्मण को पता चलता है कि प्रकाश को पुलिस ने कुंदन कुमार नाम के एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। बाद में उसे दोषी पाया गया और उसे फांसी की सजा दी गई। लक्ष्मण यह पता लगाने का जिम्मा अपने ऊपर लेते हैं कि वास्तव में कुंदन को किसने मारा था। वह लुई डिसूजा का वेश धारण करता है और खुद को सर्प गिरोह में शामिल कर लेता है। लक्ष्मण नहीं जानता कि इस गिरोह का सरगना कुमार कोई और नहीं बल्कि उसका भाई राम है। जब लक्ष्मण को पता चलता है तो उन्हें एक विकल्प चुनना चाहिए, चाहे निर्दोष प्रकाश को फांसी पर चढ़ाया जाए या अपने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया जाए।
देखना लक्ष्मण भार्गव के रूप में रणधीर कपूर, रेखा के रूप में रेखा चौधरी, शत्रुघ्न सिन्हा, राम भार्गव ओब्लिक कुमार के रूप में पन्ना खन्ना, जूली के रूप में पीटर के रूप में रंजीत, मनमोहन कृष्ण केदारनाथ भार्गव के रूप में सुलोचना लटकर, लक्ष्मी भार्गव के रूप में राज मेहरा, महापौर चौधरी के रूप में छगन लाल पांडे के रूप में रूपेश कुमार, रमेश देव के रूप में प्रकाश वर्मा, रतनलाल वर्मा के रूप में रणधीर फरियाल, कैबरी डांसर के रूप में श्याम कुमार, लुइस डिसूजा के रूप में बीजू खोटे, माइकल के रूप में राम के अपहरणकर्ता के रूप में रामायण तिवारी, भूषण तिवारी भूषण के रूप में पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में रणधीर राज, संगीत गीत काहे अपने के रूसी संगीतकार सरगेई प्रोकोफेव द्वारा लेफ्टिनेंट कीजे सूट से रोमांस थीम का नमूना है। गाना नंबर एक अलविदा रे रुक जाना, इस गाने की गायिका लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर दो गुम है किसी के प्यार में दिल सोए शाम, इस गाने के गायिकार लता मंगेशकर और किशोर कुमार हैं। गाना नंबर तीन प्यार का समय कम है जहां लड़के हैं लोग कैसे वहां क्यों मेरे यार, इस गाने के गायिका लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी हैं। गाना नंबर चार रामपुर का वासी हूँ, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर पाँच काहे अपनों के एकल, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर छः काहे अपनों के काम नहीं आए तू डुएट, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर सात सांवला रंग है मेरा, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको रामपुर का लक्ष्मण मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। रामपुर का लक्ष्मण, रामपुर का लक्ष्मण 1972 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांस ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मनमोहन देसाई ने किया है। 1978 में फिल्म का तमिल में पुनर्निर्माण किया गया जिसका शीर्षक मंगुड़ी माइनर था। निर्देशक मनमोहन देसाई द्वारा निर्मित ए नाडियाडवाला, अभिनीत रणधीर कपूर, रेखा शत्रुघ्न सिन्हा, छायांकन सुधीन मजुमदार द्वारा संपादित कमलाकर करखानेस, संगीत दिया है आर डी बर्मन द्वारा वितरित एजी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड, रिलीज की तारीख 1972, देश भारत, भाषा हिंदी। सार केदारनाथ भार्गव उनकी पत्नी लक्ष्मी और दो बेटे राम और लक्ष्मण बेघर हैं। यात्रा के दौरान उनकी ट्रेन पटरी से उतर जाती है और लक्ष्मण तीन समूह में बंट जाता है। लक्ष्मी बॉम्बे की मेयर और उनकी बेटी रेखा के घर में नौकरानी के रूप में काम करती है। राम का एक पेशेवर अपराधी द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। केदारनाथ और लक्ष्मण साथ हैं। रतनलाल वर्मा प्रकाश नाम के एक बेटे के साथ एक दयालु व्यक्ति लक्ष्मण के बचाव में आता है। एक ट्रक द्वारा चलाया जाता है और अपंग हो जाता है। केदारनाथ और लक्ष्मण रतनलाल के गांव रामपुर में स्थानांतरित हो जाते हैं और वे एक परिवार के रूप में एक साथ रहते हैं। वर्षों बाद प्रकाश बड़ा होता है और बम्बई चला जाता है जहां उसे एक जौहरी के यहां रोज़गार मिलता है। जब रतनलाल ने दो महीने
तक उसकी बात नहीं मानी तो उसने लक्ष्मण को बम्बई जाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि प्रकाश ठीक है। बम्बई पहुंचने पर लक्ष्मण को पता चलता है कि प्रकाश को पुलिस ने कुंदन कुमार नाम के एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। बाद में उसे दोषी पाया गया और उसे फांसी की सजा दी गई। लक्ष्मण यह पता लगाने का जिम्मा अपने ऊपर लेते हैं कि वास्तव में कुंदन को किसने मारा था। वह लुई डिसूजा का भेष धारण करता है और खुद को सर्प गिरोह में शामिल कर लेता है। लक्ष्मण नहीं जानता कि इस गिरोह का सरगना कुमार कोई और नहीं बल्कि उसका भाई राम है। जब लक्ष्मण को पता चलता है तो उन्हें एक विकल्प चुनना चाहिए, चाहे निर्दोष प्रकाश को फांसी पर चढ़ाया जाए या अपने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया जाए। देखना, लक्ष्मण भार्गव के रूप में रणधीर कपूर, रेखा के रूप में रेखा चौधरी, शत्रुघ्न सिन्हा, राम भार्गव ओब्लिक कुमार के रूप में पन्ना खन्ना, जूली के रूप में पीटर के रूप में रंजीत, मनमोहन कृष्ण केदारनाथ भार्गव के रूप में सुलोचना लटकर, लक्ष्मी भार्गव के रूप में राज मेहरा, महापौर चौधरी के रूप में छगन लाल पांडे के रूप में रूपेश कुमार, रमेश देव के रूप में प्रकाश वर्मा, रतनलाल वर्मा के रूप में रणधीर फरियाल, कैबरी डांसर के रूप में श्याम कुमार, लुइस डिसूजा के रूप में बीजू खोटे, माइकल के रूप में राम के अपहरणकर्ता के रूप में रामायण तिवारी, भूषण तिवारी भूषण के रूप में पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में रणधीर राज, संगीत गीत काहे अपने के रूसी संगीतकार सरगेई प्रोकोफेव द्वारा लेफ्टिनेंट कीजे सूट से रोमांस थीम का नमूना है। गाना नंबर एक अलविदा रे रुक जाना, इस गाने की गायिका लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर दो गुम है किसी के प्यार में दिल सोए शाम, इस गाने के गायिका लता मंगेशकर और किशोर कुमार हैं। गाना नंबर तीन प्यार का समय कम है जहां लड़के हैं लोग कैसे वहां क्यों मेरे यार, इस गाने की गायिका लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी हैं। गाना नंबर चार रामपुर का वासी हूँ, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर पाँच काहे अपनों के एकल, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर छः काहे अपनों के काम नहीं आए तू डुएट, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर सात सांवला रंग है मेरा, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको रामपुर का लक्ष्मण मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। रामपुर का लक्ष्मण, रामपुर का लक्ष्मण 1972 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांस ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मनमोहन देसाई ने किया है। 1978 में फिल्म का तमिल में पुनर्निर्माण किया गया जिसका शीर्षक मंगुड़ी माइनर था। निर्देशक मनमोहन देसाई द्वारा निर्मित ए नाडियाडवाला, अभिनीत रणधीर कपूर, रेखा शत्रुघ्न सिन्हा, छायांकन सुधीन मजुमदार द्वारा संपादित कमलाकर करखानेस, संगीत दिया है आर डी बर्मन द्वारा वितरित एजी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड, रिलीज की तारीख 1972, देश भारत, भाषा हिंदी। सार केदारनाथ भार्गव उनकी पत्नी लक्ष्मी और दो बेटे राम और लक्ष्मण बेघर हैं। यात्रा के दौरान उनकी ट्रेन पटरी से उतर जाती है और लक्ष्मण
तीन समूह में बट जाता है। लक्ष्मी बॉम्बे की मेयर और उनकी बेटी रेखा के घर में नौकरानी के रूप में काम करती है। राम का एक पेशेवर अपराधी द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। केदारनाथ और लक्ष्मण साथ हैं। रतनलाल वर्मा प्रकाश नाम के एक बेटे के साथ एक दयालु व्यक्ति लक्ष्मण के बचाव में आता है। एक ट्रक द्वारा चलाया जाता है और अपंग हो जाता है। केदारनाथ और लक्ष्मण रतनलाल के गांव रामपुर में स्थानांतरित हो जाते हैं और वे एक परिवार के रूप में एक साथ रहते हैं। वर्षों बाद प्रकाश बड़ा होता है और बम्बई चला जाता है, जहां उसे एक जौहरी के यहां रोज़गार मिलता है। जब रतनलाल ने 2 महीने तक उसकी बात नहीं मानी तो उसने लक्ष्मण को बम्बई जाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि प्रकाश ठीक है। बम्बई पहुंचने पर लक्ष्मण को पता चलता है कि प्रकाश को पुलिस ने कुंदन कुमार नाम के एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। बाद में उसे दोषी पाया गया और उसे फांसी की सजा दी गई। लक्ष्मण यह पता लगाने का जिम्मा अपने ऊपर लेते हैं कि वास्तव में कुंदन को किसने मारा था। वह लुई डिसूजा का वेश धारण करता है और खुद को सर्प गिरोह में शामिल कर लेता है। लक्ष्मण नहीं जानता कि इस गिरोह का सरगना कुमार कोई और नहीं बल्कि उसका भाई राम है। जब लक्ष्मण को पता चलता है तो उन्हें एक विकल्प चुनना चाहिए, चाहे निर्दोष प्रकाश को फांसी पर चढ़ाया जाए या अपने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया जाए। देखना, लक्ष्मण भार्गव के रूप में रणधीर कपूर, रेखा के रूप में रेखा चौधरी, शत्रुघ्न सिन्हा, राम भार्गव ओब्लिक कुमार के रूप में पन्ना खन्ना, जूली के रूप में पीटर के रूप में रंजीत, मनमोहन कृष्ण केदारनाथ भार्गव के रूप में सुलोचना लटकर, लक्ष्मी भार्गव के रूप में राज मेहरा, महापौर चौधरी के रूप में छगन लाल पांडे के रूप में रूपेश कुमार, रमेश देव के रूप में प्रकाश वर्मा, रतनलाल वर्मा के रूप में रणधीर फरियाल, कैबरी डांसर के रूप में श्याम कुमार, लुइस डिसूजा के रूप में बीजू खोटे, माइकल के रूप में राम के अपहरणकर्ता के रूप में रामायण तिवारी, भूषण तिवारी भूषण के रूप में पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में रणधीर राज, संगीत गीत काहे अपने के रूसी संगीतकार सरगेई प्रोकोफेव द्वारा लेफ्टिनेंट कीजे सूट से रोमांस थीम का नमूना है। गाना नंबर 1 अलविला रे रुक जाना, इस गाने की गायिका लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 2 गुम है किसी के प्यार में दिल सोए शाम, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर और किशोर कुमार हैं। गाना नंबर 3 प्यार का समय कम है जहां लड़के हैं लोग कैसे वहां क्यों मेरे यार, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी हैं। गाना नंबर 4 रामपुर का वासी हूँ, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर 5 काहे अपनों के एकल, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर 6 काहे अपनों के काम नहीं आए तू डुएट, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 7 सांवला रंग है मेरा, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको रामपुर का लक्ष्मण मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। रामपुर का लक्ष्मण 1972 की भारतीय हिंदी भाषा की
रोमांस ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मनमोहन देसाई ने किया है। 1978 में फिल्म का तमिल में पुनर्निर्माण किया गया, जिसका शीर्षक मंगुड़ी माइनर था। निर्देशक मनमोहन देसाई द्वारा निर्मित ए नाडियाडवाला, अभिनीत रणधीर कपूर, रेखा शत्रुघ्न सिन्हा, छायांकन सुधीन मजुमदार द्वारा संपादित कमलाकर करखानेस, संगीत दिया है आर डी बर्मन द्वारा वितरित एजी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड। रिलीज की तारीख 1972। देश भारत। भाषा हिंदी। सार: केदारनाथ भार्गव उनकी पत्नी लक्ष्मी और दो बेटे राम और लक्ष्मण बेघर हैं। यात्रा के दौरान उनकी ट्रेन पटरी से उतर जाती है और लक्ष्मण तीन समूह में बढ़ जाता है। लक्ष्मी बॉम्बे की मेयर और उनकी बेटी रेखा के घर में नौकरानी के रूप में काम करती है। राम का एक पेशेवर अपराधी द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। केदारनाथ और लक्ष्मण साथ हैं। रतनलाल वर्मा प्रकाश नाम के एक बेटे के साथ एक दयालु व्यक्ति लक्ष्मण के बचाव में आता है। एक ट्रक द्वारा चलाया जाता है और अपंग हो जाता है। केदारनाथ और लक्ष्मण रतनलाल के गांव रामपुर में स्थानांतरित हो जाते हैं और वे एक परिवार के रूप में एक साथ रहते हैं। वर्षों बाद प्रकाश बड़ा होता है और बम्बई चला जाता है, जहां उसे एक जौहरी के यहां रोज़गार मिलता है। जब रतनलाल ने 2 महीने तक उसकी बात नहीं मानी तो उसने लक्ष्मण को बम्बई जाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि प्रकाश ठीक है। बम्बई पहुंचने पर लक्ष्मण को पता चलता है कि प्रकाश को पुलिस ने कुंदन कुमार नाम के एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। बाद में उसे दोषी पाया गया और उसे फांसी की सजा दी गई। लक्ष्मण यह पता लगाने का जिम्मा अपने ऊपर लेते हैं कि वास्तव में कुंदन को किसने मारा था। वह लुई डिसूजा का भेष धारण करता है और खुद को सर्प गिरोह में शामिल कर लेता है। लक्ष्मण नहीं जानता कि इस गिरोह का सरगना कुमार कोई और नहीं बल्कि उसका भाई राम है। जब लक्ष्मण को पता चलता है तो उन्हें एक विकल्प चुनना चाहिए, चाहे निर्दोष प्रकाश को फांसी पर चढ़ाया जाए या अपने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया जाए। देखना लक्ष्मण भार्गव के रूप में रणधीर कपूर, रेखा के रूप में रेखा चौधरी, शत्रुघ्न सिन्हा, राम भार्गव ओब्लिक कुमार के रूप में पन्ना खन्ना, जूली के रूप में पीटर के रूप में रंजीत, मनमोहन कृष्ण केदारनाथ भार्गव के रूप में सुलोचना लटकर, लक्ष्मी भार्गव के रूप में राज मेहरा, महापौर चौधरी के रूप में छगन लाल पांडे के रूप में रूपेश कुमार, रमेश देव के रूप में प्रकाश वर्मा, रतनलाल वर्मा के रूप में रणधीर फरियाल, कैबरी डांसर के रूप में श्याम कुमार, लुइस डिसूजा के रूप में बीजू खोटे, माइकल के रूप में राम के अपहरणकर्ता के रूप में रामायण तिवारी, भूषण तिवारी भूषण के रूप में पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में रणधीर राज, संगीत गीत काहे अपने के रूसी संगीतकार सरगेई प्रोकोफेव द्वारा लेफ्टिनेंट कीजे सूट से रोमांस थीम का नमूना है। गाना नंबर 1 अलविदा रे रुक जाना, इस गाने की गायिका लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 2 गुम है किसी के प्यार में दिल सोए शाम, इस गाने के गायिका लता मंगेशकर और किशोर कुमार हैं। गाना नंबर 3 प्यार का समय कम है जहां लड़के हैं लोग कैसे वहां क्यों मेरे यार, इस गाने के गायिका लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी हैं। गाना नंबर 4 रामपुर का वासी हूँ, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर 5 काहे अपनों के एकल, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर 6 काहे अपनों के काम नहीं आए तू डुएट, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 7 सांवला रंग है मेरा, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको रामपुर का लक्ष्मण मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। रामपुर का लक्ष्मण। रामपुर का लक्ष्मण 1972 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांस ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन मनमोहन देसाई ने किया है। 1978 में फिल्म का तमिल में पुनर्निर्माण किया गया, जिसका शीर्षक मंगुड़ी माइनर था। निर्देशक मनमोहन देसाई द्वारा निर्मित ए नाडियाडवाला, अभिनीत रणधीर कपूर, रेखा शत्रुघ्न सिन्हा, छायांकन सुधीन मजुमदार द्वारा संपादित कमलाकर करखानेस, संगीत दिया है आर डी बर्मन द्वारा वितरित एजी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड। रिलीज की तारीख 1972। देश भारत। भाषा हिंदी। सार: केदारनाथ भार्गव उनकी पत्नी लक्ष्मी और दो बेटे राम और लक्ष्मण बेघर हैं। यात्रा के दौरान उनकी ट्रेन पटरी से उतर जाती है और लक्ष्मण तीन समूह में बट जाता है। लक्ष्मी बॉम्बे की मेयर और उनकी बेटी रेखा के घर में नौकरानी के रूप में काम करती है। राम का एक पेशेवर अपराधी द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। केदारनाथ और लक्ष्मण साथ हैं। रतनलाल वर्मा प्रकाश नाम के एक बेटे के साथ एक दयालु व्यक्ति लक्ष्मण के बचाव में आता है। एक ट्रक द्वारा चलाया जाता है और अपंग हो जाता है। केदारनाथ और लक्ष्मण रतनलाल के गांव रामपुर में स्थानांतरित हो जाते हैं और वे एक परिवार के रूप में एक साथ रहते हैं। वर्षों बाद प्रकाश बड़ा होता है और बम्बई चला जाता है, जहाँ उसे एक जौहरी के यहाँ रोज़गार मिलता है। जब रतनलाल ने 2 महीने तक उसकी बात नहीं मानी तो उसने लक्ष्मण को बम्बई जाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि प्रकाश ठीक है। बम्बई पहुँचने पर लक्ष्मण को पता चलता है कि प्रकाश को पुलिस ने कुंदन कुमार नाम के एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। बाद में उसे दोषी पाया गया और उसे फांसी की सजा दी गई। लक्ष्मण यह पता लगाने का जिम्मा अपने ऊपर लेते हैं कि वास्तव में कुंदन को किसने मारा था। वह लुई डिसूजा का भेष धारण करता है और खुद को सर्प गिरोह में शामिल कर लेता है। लक्ष्मण नहीं जानता कि इस गिरोह का सरगना कुमार कोई और नहीं बल्कि उसका भाई राम है। जब लक्ष्मण को पता चलता है तो उन्हें एक विकल्प चुनना चाहिए, चाहे निर्दोष प्रकाश को फांसी पर चढ़ाया जाए या अपने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया जाए। देखना, लक्ष्मण भार्गव के रूप में रणधीर कपूर, रेखा के रूप में रेखा चौधरी, शत्रुघ्न सिन्हा, राम भार्गव ओब्लिक कुमार के रूप में पन्ना खन्ना, जूली के रूप में पीटर के रूप में रंजीत, मनमोहन कृष्ण केदारनाथ भार्गव के रूप में सुलोचना लटकर, लक्ष्मी भार्गव के रूप में राज मेहरा, महापौर चौधरी के रूप में छगन लाल पांडे के रूप में रूपेश कुमार, रमेश देव के रूप में प्रकाश वर्मा, रतनलाल वर्मा के रूप में रणधीर फरियाल, कैबरी डांसर के रूप में श्याम कुमार, लुइस डिसूजा के रूप में बीजू खोटे, माइकल के रूप में राम के अपहरणकर्ता के रूप में रामायण तिवारी, भूषण तिवारी भूषण के रूप में पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में रणधीर राज, संगीत गीत काहे अपने के रूसी संगीतकार सरगेई प्रोकोफेव द्वारा लेफ्टिनेंट कीजे सूट से रोमांस थीम का नमूना है। गाना नंबर 1 अलविदा रे रुक जाना, इस गाने की गायिका लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 2 गुम है किसी के प्यार में दिल सोए शाम, इस गाने के गायिका लता मंगेशकर और किशोर कुमार हैं। गाना नंबर 3 प्यार का समय कम है जहाँ लड़के हैं लोग कैसे वहाँ क्यों मेरे यार, इस गाने के गायिका लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी हैं।
गाना नंबर 4 रामपुर का वासी हूँ, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर 5 काहे अपनों के एकल, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर 6 काहे अपनों के काम नहीं आए तू डुएट, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 7 सांवला रंग है मेरा, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको रामपुर का लक्ष्मण मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। रामपुर का लक्ष्मण। रामपुर का लक्ष्मण 1972 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांस ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन मनमोहन देसाई ने किया है। 1978 में फिल्म का तमिल में पुनर्निर्माण किया गया, जिसका शीर्षक मंगुड़ी माइनर था। निर्देशक मनमोहन देसाई द्वारा निर्मित ए नाडियाडवाला, अभिनीत रणधीर कपूर, रेखा शत्रुघ्न सिन्हा, छायांकन सुधीन मजुमदार द्वारा संपादित कमलाकर करखानेस, संगीत दिया है आर डी बर्मन द्वारा वितरित एजी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड। रिलीज की तारीख 1972। देश भारत। भाषा हिंदी। सार केदारनाथ भार्गव, उनकी पत्नी लक्ष्मी और दो बेटे राम और लक्ष्मण बेघर हैं। यात्रा के दौरान उनकी ट्रेन पटरी से उतर जाती है और लक्ष्मण 3 समूह में बढ़ जाता है। लक्ष्मी बॉम्बे की मेयर और उनकी बेटी रेखा के घर में नौकरानी के रूप में काम करती है। राम का एक पेशेवर अपराधी द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। केदारनाथ और लक्ष्मण साथ हैं। रतनलाल वर्मा प्रकाश नाम के एक बेटे के साथ एक दयालु व्यक्ति लक्ष्मण के बचाव में आता है। एक ट्रक द्वारा चलाया जाता है और अपंग हो जाता है। केदारनाथ और लक्ष्मण रतनलाल के गांव रामपुर में स्थानांतरित हो जाते हैं और वे एक परिवार के रूप में एक साथ रहते हैं। वर्षों बाद प्रकाश बड़ा होता है और बम्बई चला जाता है, जहां उसे एक जौहरी के यहां रोज़गार मिलता है। जब रतनलाल ने 2 महीने तक उसकी बात नहीं मानी तो उसने लक्ष्मण को बम्बई जाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि प्रकाश ठीक है। बम्बई पहुंचने पर लक्ष्मण को पता चलता है कि प्रकाश को पुलिस ने कुंदन कुमार नाम के एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। बाद में उसे दोषी पाया गया और उसे फांसी की सजा दी गई। लक्ष्मण यह पता लगाने का जिम्मा अपने ऊपर लेते हैं कि वास्तव में कुंदन को किसने मारा था। वह लुई डिसूजा का वेश धारण करता है और खुद को सर्प गिरोह में शामिल कर लेता है। लक्ष्मण नहीं जानता कि इस गिरोह का सरगना कुमार कोई और नहीं बल्कि उसका भाई राम है। जब लक्ष्मण को पता चलता है तो उन्हें एक विकल्प चुनना चाहिए, चाहे निर्दोष प्रकाश को फांसी पर चढ़ाया जाए या अपने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया जाए। देखना लक्ष्मण भार्गव के रूप में रणधीर कपूर, रेखा के रूप में रेखा चौधरी, शत्रुघ्न सिन्हा, राम भार्गव ओब्लिक कुमार के रूप में पन्ना खन्ना, जूली के रूप में पीटर के रूप में रंजीत, मनमोहन कृष्ण केदारनाथ भार्गव के रूप में सुलोचना लटकर, लक्ष्मी भार्गव के रूप में राज मेहरा, महापौर चौधरी के रूप में छगन लाल पांडे के रूप में रूपेश कुमार, रमेश देव के रूप में प्रकाश वर्मा, रतनलाल वर्मा के रूप में रणधीर फरियाल, कैबरी डांसर के रूप में श्याम कुमार, लुइस डिसूजा के रूप में बीजू खोटे, माइकल के रूप में राम के अपहरणकर्ता के रूप में रामायण तिवारी, भूषण तिवारी भूषण के रूप में
पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में रणधीर राज संगीत गीत काहे अपने के रूसी संगीतकार सरगेई प्रोकोफेव द्वारा लेफ्टिनेंट कीजे शूट से रोमांस थीम का नमूना है। गाना नंबर एक अलविदा रे रुक जाना, इस गाने की गायिका लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर दो गुम है किसी के प्यार में दिल सोए शाम, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर और किशोर कुमार हैं। गाना नंबर तीन प्यार का समय कम है जहां लड़के हैं लोग कैसे वहां क्यों मेरे यार, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी हैं। गाना नंबर चार रामपुर का वासी हूँ, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर पाँच काहे अपनों के एकल, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर छः काहे अपनों के काम नहीं आए तू डुएट, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर सात सांवला रंग है मेरा, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको रामपुर का लक्ष्मण मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। रामपुर का लक्ष्मण, रामपुर का लक्ष्मण 1972 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांस ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन मनमोहन देसाई ने किया है। 1978 में फिल्म का तमिल में पुनर्निर्माण किया गया, जिसका शीर्षक मंगुड़ी माइनर था। निर्देशक मनमोहन देसाई द्वारा निर्मित ए नाडियाडवाला, अभिनीत रणधीर कपूर, रेखा शत्रुघ्न सिन्हा, छायांकन सुधीन मजुमदार द्वारा संपादित कमलाकर करखाने, संगीत दिया है आर डी बर्मन द्वारा वितरित एजी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड। रिलीज की तारीख 1972। देश भारत। भाषा हिंदी। सार केदारनाथ भार्गव उनकी पत्नी लक्ष्मी और दो बेटे राम और लक्ष्मण बेघर हैं। यात्रा के दौरान उनकी ट्रेन पटरी से उतर जाती है और लक्ष्मण तीन समूह में बढ़ जाता है। लक्ष्मी बॉम्बे की मेयर और उनकी बेटी रेखा के घर में नौकरानी के रूप में काम करती है। राम का एक पेशेवर अपराधी द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। केदारनाथ और लक्ष्मण साथ हैं। रतनलाल वर्मा प्रकाश नाम के एक बेटे के साथ एक दयालु व्यक्ति लक्ष्मण के बचाव में आता है। एक ट्रक द्वारा चलाया जाता है और अपंग हो जाता है। केदारनाथ और लक्ष्मण रतनलाल के गांव रामपुर में स्थानांतरित हो जाते हैं और वे एक परिवार के रूप में एक साथ रहते हैं। वर्षों बाद प्रकाश बड़ा होता है और बम्बई चला जाता है, जहां उसे एक जौहरी के यहां रोज़गार मिलता है। जब रतनलाल ने दो महीने तक उसकी बात नहीं मानी तो उसने लक्ष्मण को बम्बई जाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि प्रकाश ठीक है। बम्बई पहुंचने पर लक्ष्मण को पता चलता है कि प्रकाश को पुलिस ने कुंदन कुमार नाम के एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। बाद में उसे दोषी पाया गया और उसे फांसी की सजा दी गई। लक्ष्मण यह पता लगाने का जिम्मा अपने ऊपर लेते हैं कि वास्तव में कुंदन को किसने मारा था। वह लुई डिसूजा का भेष धारण करता है और खुद को सर्प गिरोह में शामिल कर लेता है। लक्ष्मण नहीं जानता कि इस गिरोह का सरगना कुमार कोई और नहीं बल्कि उसका भाई राम है। जब लक्ष्मण को पता चलता है तो उन्हें एक विकल्प चुनना चाहिए, चाहे निर्दोष प्रकाश को फांसी पर चढ़ाया जाए या अपने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया जाए।
देखना लक्ष्मण भार्गव के रूप में रणधीर कपूर, रेखा के रूप में रेखा चौधरी, शत्रुघ्न सिन्हा, राम भार्गव ओब्लिक कुमार के रूप में पन्ना खन्ना, जूली के रूप में पीटर के रूप में रंजीत, मनमोहन कृष्ण केदारनाथ भार्गव के रूप में सुलोचना लटकर, लक्ष्मी भार्गव के रूप में राज मेहरा, महापौर चौधरी के रूप में छगन लाल पांडे के रूप में रूपेश कुमार, रमेश देव के रूप में प्रकाश वर्मा, रतनलाल वर्मा के रूप में रणधीर फरियाल, कैबरी डांसर के रूप में श्याम कुमार, लुइस डिसूजा के रूप में बीजू खोटे, माइकल के रूप में राम के अपहरणकर्ता के रूप में रामायण तिवारी, भूषण तिवारी भूषण के रूप में पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में रणधीर राज, संगीत गीत काहे अपने के रूसी संगीतकार सरगेई प्रोकोफेव द्वारा लेफ्टिनेंट कीजे सूट से रोमांस थीम का नमूना है। गाना नंबर एक अलविदा रे रुक जाना, इस गाने की गायिका लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर दो गुम है किसी के प्यार में दिल सोए शाम, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर और किशोर कुमार हैं। गाना नंबर तीन प्यार का समय कम है जहां लड़के हैं लोग कैसे वहां क्यों मेरे यार, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी हैं। गाना नंबर चार रामपुर का वासी हूँ, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर पाँच काहे अपनों के एकल, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर छः काहे अपनों के काम नहीं आए तू डुएट, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर सात सांवला रंग है मेरा, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको रामपुर का लक्ष्मण मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। रामपुर का लक्ष्मण, रामपुर का लक्ष्मण 1972 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांस ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन मनमोहन देसाई ने किया है। 1978 में फिल्म का तमिल में पुनर्निर्माण किया गया, जिसका शीर्षक मंगुड़ी माइनर था। निर्देशक मनमोहन देसाई द्वारा निर्मित ए नाडियाडवाला, अभिनीत रणधीर कपूर, रेखा, शत्रुघ्न सिन्हा, छायांकन सुधीन मजुमदार द्वारा संपादित कमलाकर करखाने, संगीत दिया है आर डी बर्मन द्वारा वितरित एजी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड। रिलीज की तारीख 1972। देश भारत। भाषा हिंदी। सार केदारनाथ भार्गव उनकी पत्नी लक्ष्मी और दो बेटे राम और लक्ष्मण बेघर हैं। यात्रा के दौरान उनकी ट्रेन पटरी से उतर जाती है और लक्ष्मण तीन समूह में बढ़ जाता है। लक्ष्मी बॉम्बे की मेयर और उनकी बेटी रेखा के घर में नौकरानी के रूप में काम करती है। राम का एक पेशेवर अपराधी द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। केदारनाथ और लक्ष्मण साथ हैं। रतनलाल वर्मा प्रकाश नाम के एक बेटे के साथ एक दयालु व्यक्ति लक्ष्मण के बचाव में आता है। एक ट्रक द्वारा चलाया जाता है और अपंग हो जाता है। केदारनाथ और लक्ष्मण रतनलाल के गांव रामपुर में स्थानांतरित हो जाते हैं और वे एक परिवार के रूप में एक साथ रहते हैं। वर्षों बाद प्रकाश बड़ा होता है और बम्बई चला जाता है, जहां उसे एक जौहरी के यहां रोज़गार मिलता है। जब रतनलाल ने दो महीने
तक उसकी बात नहीं मानी तो उसने लक्ष्मण को बम्बई जाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि प्रकाश ठीक है। बम्बई पहुंचने पर लक्ष्मण को पता चलता है कि प्रकाश को पुलिस ने कुंदन कुमार नाम के एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। बाद में उसे दोषी पाया गया और उसे फांसी की सज़ा दी गई। लक्ष्मण यह पता लगाने का जिम्मा अपने ऊपर लेते हैं कि वास्तव में कुंदन को किसने मारा था। वह लुई डिसूजा का भेष धारण करता है और खुद को सर्प गिरोह में शामिल कर लेता है। लक्ष्मण नहीं जानता कि इस गिरोह का सरगना कुमार कोई और नहीं बल्कि उसका भाई राम है। जब लक्ष्मण को पता चलता है तो उन्हें एक विकल्प चुनना चाहिए, चाहे निर्दोष प्रकाश को फांसी पर चढ़ाया जाए या अपने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया जाए। देखना, लक्ष्मण भार्गव के रूप में रणधीर कपूर, रेखा के रूप में रेखा चौधरी, शत्रुघ्न सिन्हा, राम भार्गव ओब्लिक कुमार के रूप में पन्ना खन्ना, जूली के रूप में पीटर के रूप में रंजीत, मनमोहन कृष्ण केदारनाथ भार्गव के रूप में सुलोचना लटकर, लक्ष्मी भार्गव के रूप में राज मेहरा, महापौर चौधरी के रूप में छगन लाल पांडे के रूप में रूपेश कुमार, रमेश देव के रूप में प्रकाश वर्मा, रतनलाल वर्मा के रूप में रणधीर फरियाल, कैबरी डांसर के रूप में श्याम कुमार, लुइस डिसूजा के रूप में बीजू खोटे, माइकल के रूप में राम के अपहरणकर्ता के रूप में रामायण तिवारी, भूषण तिवारी भूषण के रूप में पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में रणधीर राज, संगीत गीत काहे अपने के रूसी संगीतकार सरगेई प्रोकोफेव द्वारा लेफ्टिनेंट कीजे सूट से रोमांस थीम का नमूना है। गाना नंबर एक अलविला रे रुक जाना, इस गाने की गायिका लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर दो गुम है किसी के प्यार में दिल सोए शाम, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर और किशोर कुमार हैं। गाना नंबर तीन प्यार का समय कम है जहां लड़के हैं लोग कैसे वहां क्यों मेरे यार, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी हैं। गाना नंबर चार रामपुर का वासी हूँ, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर पाँच काहे अपनों के एकल, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर छः काहे अपनों के काम नहीं आए तू डुएट, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर सात सांवला रंग है मेरा, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको रामपुर का लक्ष्मण मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। रामपुर का लक्ष्मण, रामपुर का लक्ष्मण 1972 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांस ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मनमोहन देसाई ने किया है। 1978 में फिल्म का तमिल में पुनर्निर्माण किया गया जिसका शीर्षक मंगुड़ी माइनर था। निर्देशक मनमोहन देसाई द्वारा निर्मित ए नाडियाडवाला, अभिनीत रणधीर कपूर, रेखा, शत्रुघ्न सिन्हा, छायांकन सुधीन मजुमदार द्वारा संपादित कमलाकर करखाने, संगीत दिया है आर डी बर्मन द्वारा वितरित एजी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड। रिलीज की तारीख 1972। देश भारत। भाषा हिंदी। सार केदारनाथ भार्गव, उनकी पत्नी लक्ष्मी और दो बेटे राम और लक्ष्मण बेघर हैं। यात्रा के दौरान उनकी ट्रेन पटरी से उतर जाती है और लक्ष्मण
तीन समूह में बढ़ जाता है। लक्ष्मी बॉम्बे की मेयर और उनकी बेटी रेखा के घर में नौकरानी के रूप में काम करती है। राम का एक पेशेवर अपराधी द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। केदारनाथ और लक्ष्मण साथ हैं। रतनलाल वर्मा प्रकाश नाम के एक बेटे के साथ एक दयालु व्यक्ति लक्ष्मण के बचाव में आता है। एक ट्रक द्वारा चलाया जाता है और अपंग हो जाता है। केदारनाथ और लक्ष्मण रतनलाल के गांव रामपुर में स्थानांतरित हो जाते हैं और वे एक परिवार के रूप में एक साथ रहते हैं। वर्षों बाद प्रकाश बड़ा होता है और बम्बई चला जाता है, जहां उसे एक जौहरी के यहां रोज़गार मिलता है। जब रतनलाल ने 2 महीने तक उसकी बात नहीं मानी तो उसने लक्ष्मण को बम्बई जाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि प्रकाश ठीक है। बम्बई पहुंचने पर लक्ष्मण को पता चलता है कि प्रकाश को पुलिस ने कुंदन कुमार नाम के एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। बाद में उसे दोषी पाया गया और उसे फांसी की सजा दी गई। लक्ष्मण यह पता लगाने का जिम्मा अपने ऊपर लेते हैं कि वास्तव में कुंदन को किसने मारा था। वह लुई डिसूजा का भेष धारण करता है और खुद को सर्प गिरोह में शामिल कर लेता है। लक्ष्मण नहीं जानता कि इस गिरोह का सरगना कुमार कोई और नहीं बल्कि उसका भाई राम है। जब लक्ष्मण को पता चलता है तो उन्हें एक विकल्प चुनना चाहिए, चाहे निर्दोष प्रकाश को फांसी पर चढ़ाया जाए या अपने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया जाए। देखना लक्ष्मण भार्गव के रूप में रणधीर कपूर, रेखा के रूप में रेखा चौधरी, शत्रुघ्न सिन्हा, राम भार्गव / कुमार के रूप में पन्ना खन्ना, जूली के रूप में पीटर के रूप में रंजीत, मनमोहन कृष्ण केदारनाथ भार्गव के रूप में सुलोचना लटकर, लक्ष्मी भार्गव के रूप में राज मेहरा, महापौर चौधरी के रूप में छगन लाल पांडे के रूप में रूपेश कुमार, रमेश देव के रूप में प्रकाश वर्मा, रतनलाल वर्मा के रूप में रणधीर फरियाल, कैबरी डांसर के रूप में श्याम कुमार, लुइस डिसूजा के रूप में बीजू खोटे, माइकल के रूप में राम के अपहरणकर्ता के रूप में रामायण तिवारी, भूषण तिवारी भूषण के रूप में पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में रणधीर राज, संगीत गीत काहे अपने के रूसी संगीतकार सरगेई प्रोकोफेव द्वारा लेफ्टिनेंट कीजे सूट से रोमांस थीम का नमूना है। गाना नंबर 1 अलविला रे रुक जाना, इस गाने की गायिका लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 2 गुम है किसी के प्यार में दिल सोए शाम, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर और किशोर कुमार हैं। गाना नंबर 3 प्यार का समय कम है जहां लड़के हैं लोग कैसे वहां क्यों मेरे यार, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी हैं। गाना नंबर 4 रामपुर का वासी हूँ, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर 5 काहे अपनों के एकल, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर 6 काहे अपनों के काम नहीं आए तू डुएट, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 7 सांवला रंग है मेरा, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको रामपुर का लक्ष्मण मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। रामपुर का लक्ष्मण 1972 की भारतीय हिंदी भाषा की
रोमांस ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मनमोहन देसाई ने किया है। 1978 में फिल्म का तमिल में पुनर्निर्माण किया गया, जिसका शीर्षक मंगुड़ी माइनर था। निर्देशक मनमोहन देसाई द्वारा निर्मित ए नाडियाडवाला, अभिनीत रणधीर कपूर, रेखा शत्रुघ्न सिन्हा, छायांकन सुधीन मजुमदार द्वारा संपादित कमलाकर करखानेस, संगीत दिया है आर डी बर्मन द्वारा वितरित एजी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड। रिलीज की तारीख 1972। देश भारत। भाषा हिंदी। सार: केदारनाथ भार्गव उनकी पत्नी लक्ष्मी और दो बेटे राम और लक्ष्मण बेघर हैं। यात्रा के दौरान उनकी ट्रेन पटरी से उतर जाती है और लक्ष्मण तीन समूह में बंट जाता है। लक्ष्मी बॉम्बे की मेयर और उनकी बेटी रेखा के घर में नौकरानी के रूप में काम करती है। राम का एक पेशेवर अपराधी द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। केदारनाथ और लक्ष्मण साथ हैं। रतनलाल वर्मा प्रकाश नाम के एक बेटे के साथ एक दयालु व्यक्ति लक्ष्मण के बचाव में आता है। एक ट्रक द्वारा चलाया जाता है और अपंग हो जाता है। केदारनाथ और लक्ष्मण रतनलाल के गांव रामपुर में स्थानांतरित हो जाते हैं और वे एक परिवार के रूप में एक साथ रहते हैं। वर्षों बाद प्रकाश बड़ा होता है और बम्बई चला जाता है, जहाँ उसे एक जौहरी के यहाँ रोजगार मिलता है। जब रतनलाल ने 2 महीने तक उसकी बात नहीं मानी तो उसने लक्ष्मण को बम्बई जाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि प्रकाश ठीक है। बम्बई पहुँचने पर लक्ष्मण को पता चलता है कि प्रकाश को पुलिस ने कुंदन कुमार नाम के एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। बाद में उसे दोषी पाया गया और उसे फांसी की सजा दी गई। लक्ष्मण यह पता लगाने का जिम्मा अपने ऊपर लेते हैं कि वास्तव में कुंदन को किसने मारा था। वह लुई डिसूजा का वेश धारण करता है और खुद को सर्प गिरोह में शामिल कर लेता है। लक्ष्मण नहीं जानता कि इस गिरोह का सरगना कुमार कोई और नहीं बल्कि उसका भाई राम है। जब लक्ष्मण को पता चलता है तो उन्हें एक विकल्प चुनना चाहिए, चाहे निर्दोष प्रकाश को फांसी पर चढ़ाया जाए या अपने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया जाए। देखना लक्ष्मण भार्गव के रूप में रणधीर कपूर, रेखा के रूप में रेखा चौधरी, शत्रुघ्न सिन्हा, राम भार्गव ओब्लिक कुमार के रूप में पन्ना खन्ना, जूली के रूप में पीटर के रूप में रंजीत, मनमोहन कृष्ण केदारनाथ भार्गव के रूप में सुलोचना लटकर, लक्ष्मी भार्गव के रूप में राज मेहरा, महापौर चौधरी के रूप में छगन लाल पांडे के रूप में रूपेश कुमार, रमेश देव के रूप में प्रकाश वर्मा, रतनलाल वर्मा के रूप में रणधीर फरियाल, कैबरी डांसर के रूप में श्याम कुमार, लुइस डिसूजा के रूप में बीजू खोटे, माइकल के रूप में राम के अपहरणकर्ता के रूप में रामायण तिवारी, भूषण तिवारी भूषण के रूप में पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में रणधीर राज, संगीत गीत काहे अपने के रूसी संगीतकार सरगेई प्रोकोफेव द्वारा लेफ्टिनेंट कीजे सूट से रोमांस थीम का नमूना है। गाना नंबर 1 अलविला रे रुक जाना, इस गाने की गायिका लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 2 गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर और किशोर कुमार हैं। गाना नंबर 3 प्यार का समय कम है जहां लड़के हैं लोग कैसे वहां क्यों मेरे यार, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी हैं। गाना नंबर 4 रामपुर का वासी हूँ, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर 5 काहे अपनों के एकल, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर 6 काहे अपनों के काम नहीं आए तू डुएट, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 7 सांवला रंग है मेरा, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको रामपुर का लक्ष्मण मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। रामपुर का लक्ष्मण। रामपुर का लक्ष्मण 1972 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांस ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन मनमोहन देसाई ने किया है। 1978 में फिल्म का तमिल में पुनर्निर्माण किया गया, जिसका शीर्षक मंगुड़ी माइनर था। निर्देशक मनमोहन देसाई द्वारा निर्मित ए नाडियाडवाला, अभिनीत रणधीर कपूर, रेखा शत्रुघ्न सिन्हा, छायांकन सुधीन मजुमदार द्वारा संपादित कमलाकर करखानेस, संगीत दिया है आर डी बर्मन द्वारा वितरित एजी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड। रिलीज की तारीख 1972। देश भारत। भाषा हिंदी। सार: केदारनाथ भार्गव, उनकी पत्नी लक्ष्मी और दो बेटे राम और लक्ष्मण बेघर हैं। यात्रा के दौरान उनकी ट्रेन पटरी से उतर जाती है और लक्ष्मण 3 समूह में बढ़ जाता है। लक्ष्मी बॉम्बे की मेयर और उनकी बेटी रेखा के घर में नौकरानी के रूप में काम करती है। राम का एक पेशेवर अपराधी द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। केदारनाथ और लक्ष्मण साथ हैं। रतनलाल वर्मा प्रकाश नाम के एक बेटे के साथ एक दयालु व्यक्ति लक्ष्मण के बचाव में आता है। एक ट्रक द्वारा चलाया जाता है और अपंग हो जाता है। केदारनाथ और लक्ष्मण रतनलाल के गांव रामपुर में स्थानांतरित हो जाते हैं और वे एक परिवार के रूप में एक साथ रहते हैं। वर्षों बाद प्रकाश बड़ा होता है और बम्बई चला जाता है, जहाँ उसे एक जौहरी के यहाँ रोज़गार मिलता है। जब रतनलाल ने 2 महीने तक उसकी बात नहीं मानी तो उसने लक्ष्मण को बम्बई जाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि प्रकाश ठीक है। बम्बई पहुँचने पर लक्ष्मण को पता चलता है कि प्रकाश को पुलिस ने कुंदन कुमार नाम के एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। बाद में उसे दोषी पाया गया और उसे फांसी की सजा दी गई। लक्ष्मण यह पता लगाने का जिम्मा अपने ऊपर लेते हैं कि वास्तव में कुंदन को किसने मारा था। वह लुई डिसूजा का भेष धारण करता है और खुद को सर्प गिरोह में शामिल कर लेता है। लक्ष्मण नहीं जानता कि इस गिरोह का सरगना कुमार कोई और नहीं बल्कि उसका भाई राम है। जब लक्ष्मण को पता चलता है तो उन्हें एक विकल्प चुनना चाहिए, चाहे निर्दोष प्रकाश को फांसी पर चढ़ाया जाए या अपने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया जाए। देखना, लक्ष्मण भार्गव के रूप में रणधीर कपूर, रेखा के रूप में रेखा चौधरी, शत्रुघ्न सिन्हा, राम भार्गव ओब्लिक कुमार के रूप में पन्ना खन्ना, जूली के रूप में पीटर के रूप में रंजीत, मनमोहन कृष्ण केदारनाथ भार्गव के रूप में सुलोचना लटकर, लक्ष्मी भार्गव के रूप में राज मेहरा, महापौर चौधरी के रूप में छगन लाल पांडे के रूप में रूपेश कुमार, रमेश देव के रूप में प्रकाश वर्मा, रतनलाल वर्मा के रूप में रणधीर फरियाल, कैबरी डांसर के रूप में श्याम कुमार, लुइस डिसूजा के रूप में बीजू खोटे, माइकल के रूप में राम के अपहरणकर्ता के रूप में रामायण तिवारी, भूषण तिवारी भूषण के रूप में पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में रणधीर राज, संगीत गीत काहे अपने के रूसी संगीतकार सरगेई प्रोकोफेव द्वारा लेफ्टिनेंट कीजे सूट से रोमांस थीम का नमूना है। गाना नंबर 1 अलविला रे रुक जाना, इस गाने की गायिका लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 2 गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर और किशोर कुमार हैं। गाना नंबर 3 प्यार का समय कम है जहां लड़के हैं लोग कैसे वहां क्यों मेरे यार, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी हैं।
गाना नंबर 4 रामपुर का वासी हूँ, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर 5 काहे अपनों के एकल, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर 6 काहे अपनों के काम नहीं आए तू डुएट, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 7 सांवला रंग है मेरा, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको रामपुर का लक्ष्मण मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। रामपुर का लक्ष्मण। रामपुर का लक्ष्मण 1972 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांस ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन मनमोहन देसाई ने किया है। 1978 में फिल्म का तमिल में पुनर्निर्माण किया गया, जिसका शीर्षक मंगुड़ी माइनर था। निर्देशक मनमोहन देसाई द्वारा निर्मित ए नाडियाडवाला, अभिनीत रणधीर कपूर, रेखा शत्रुघ्न सिन्हा, छायांकन सुधीन मजुमदार द्वारा संपादित कमलाकर करखानेस, संगीत दिया है आर डी वर्मन द्वारा वितरित एजी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड। रिलीज की तारीख 1972। देश भारत। भाषा हिंदी। सार केदारनाथ भार्गव, उनकी पत्नी लक्ष्मी और दो बेटे राम और लक्ष्मण बेघर हैं। यात्रा के दौरान उनकी ट्रेन पटरी से उतर जाती है और लक्ष्मण 3 समूह में बंट जाता है। लक्ष्मी बॉम्बे की मेयर और उनकी बेटी रेखा के घर में नौकरानी के रूप में काम करती है। राम का एक पेशेवर अपराधी द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। केदारनाथ और लक्ष्मण साथ हैं। रतनलाल वर्मा प्रकाश नाम के एक बेटे के साथ एक दयालु व्यक्ति लक्ष्मण के बचाव में आता है। एक ट्रक द्वारा चलाया जाता है और अपंग हो जाता है। केदारनाथ और लक्ष्मण रतनलाल के गांव रामपुर में स्थानांतरित हो जाते हैं और वे एक परिवार के रूप में एक साथ रहते हैं। वर्षों बाद प्रकाश बड़ा होता है और बम्बई चला जाता है, जहाँ उसे एक जौहरी के यहाँ रोज़गार मिलता है। जब रतनलाल ने 2 महीने तक उसकी बात नहीं मानी तो उसने लक्ष्मण को बम्बई जाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि प्रकाश ठीक है। बम्बई पहुँचने पर लक्ष्मण को पता चलता है कि प्रकाश को पुलिस ने कुंदन कुमार नाम के एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। बाद में उसे दोषी पाया गया और उसे फांसी की सजा दी गई। लक्ष्मण यह पता लगाने का जिम्मा अपने ऊपर लेते हैं कि वास्तव में कुंदन को किसने मारा था। वह लुई डिसूजा का भेष धारण करता है और खुद को सर्प गिरोह में शामिल कर लेता है। लक्ष्मण नहीं जानता कि इस गिरोह का सरगना कुमार कोई और नहीं बल्कि उसका भाई राम है। जब लक्ष्मण को पता चलता है तो उन्हें एक विकल्प चुनना चाहिए, चाहे निर्दोष प्रकाश को फांसी पर चढ़ाया जाए या अपने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया जाए। देखना लक्ष्मण भार्गव के रूप में रणधीर कपूर, रेखा के रूप में रेखा चौधरी, शत्रुघ्न सिन्हा, राम भार्गव ओब्लिक कुमार के रूप में पन्ना खन्ना, जूली के रूप में पीटर के रूप में रंजीत, मनमोहन कृष्ण केदारनाथ भार्गव के रूप में सुलोचना लटकर, लक्ष्मी भार्गव के रूप में राज मेहरा, महापौर चौधरी के रूप में छगन लाल पांडे के रूप में रूपेश कुमार, रमेश देव के रूप में प्रकाश वर्मा, रतनलाल वर्मा के रूप में रणधीर फरियाल, कैबरी डांसर के रूप में श्याम कुमार, लुइस डिसूजा के रूप में बीजू खोटे, माइकल के रूप में राम के अपहरणकर्ता के रूप में रामायण तिवारी, भूषण तिवारी भूषण के रूप में
पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में रणधीर राज संगीत गीत काहे अपने के रूसी संगीतकार सरगेई प्रोकोफेव द्वारा लेफ्टिनेंट कीजे सूट से रोमांस थीम का नमूना है। गाना नंबर एक अलविला रे रुक जाना, इस गाने की गायिका लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर दो गुम है किसी के प्यार में दिल सोए शाम, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर और किशोर कुमार हैं। गाना नंबर तीन प्यार का समय कम है जहां लड़के हैं लोग कैसे वहां क्यों मेरे यार, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी हैं। गाना नंबर चार रामपुर का वासी हूँ, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर पाँच काहे अपनों के एकल, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर छः काहे अपनों के काम नहीं आए तू डुएट, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर सात सांवला रंग है मेरा, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको रामपुर का लक्ष्मण मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। रामपुर का लक्ष्मण, रामपुर का लक्ष्मण 1972 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांस ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन मनमोहन देसाई ने किया है। 1978 में फिल्म का तमिल में पुनर्निर्माण किया गया, जिसका शीर्षक मंगुड़ी माइनर था। निर्देशक मनमोहन देसाई द्वारा निर्मित ए नाडियाडवाला, अभिनीत रणधीर कपूर, रेखा शत्रुघ्न सिन्हा, छायांकन सुधीन मजुमदार द्वारा संपादित कमलाकर करखानेस, संगीत दिया है आर डी बर्मन द्वारा वितरित एजी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड। रिलीज की तारीख 1972। देश भारत। भाषा हिंदी। सार केदारनाथ भार्गव, उनकी पत्नी लक्ष्मी और दो बेटे राम और लक्ष्मण बेघर हैं। यात्रा के दौरान उनकी ट्रेन पटरी से उतर जाती है और लक्ष्मण तीन समूह में बंट जाता है। लक्ष्मी बॉम्बे की मेयर और उनकी बेटी रेखा के घर में नौकरानी के रूप में काम करती है। राम का एक पेशेवर अपराधी द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। केदारनाथ और लक्ष्मण साथ हैं। रतनलाल वर्मा प्रकाश नाम के एक बेटे के साथ एक दयालु व्यक्ति लक्ष्मण के बचाव में आता है। एक ट्रक द्वारा चलाया जाता है और अपंग हो जाता है। केदारनाथ और लक्ष्मण रतनलाल के गांव रामपुर में स्थानांतरित हो जाते हैं और वे एक परिवार के रूप में एक साथ रहते हैं। वर्षों बाद प्रकाश बड़ा होता है और बम्बई चला जाता है, जहाँ उसे एक जौहरी के यहाँ रोजगार मिलता है। जब रतनलाल ने दो महीने तक उसकी बात नहीं मानी तो उसने लक्ष्मण को बम्बई जाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि प्रकाश ठीक है। बम्बई पहुँचने पर लक्ष्मण को पता चलता है कि प्रकाश को पुलिस ने कुंदन कुमार नाम के एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। बाद में उसे दोषी पाया गया और उसे फांसी की सजा दी गई। लक्ष्मण यह पता लगाने का जिम्मा अपने ऊपर लेते हैं कि वास्तव में कुंदन को किसने मारा था। वह लुई डिसूजा का भेष धारण करता है और खुद को सर्प गिरोह में शामिल कर लेता है। लक्ष्मण नहीं जानता कि इस गिरोह का सरगना कुमार कोई और नहीं बल्कि उसका भाई राम है। जब लक्ष्मण को पता चलता है तो उन्हें एक विकल्प चुनना चाहिए, चाहे निर्दोष प्रकाश को फांसी पर चढ़ाया जाए या अपने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया जाए। देखना लक्ष्मण भार्गव के रूप में रणधीर कपूर
रेखा के रूप में रेखा चौधरी, शत्रुघ्न सिन्हा, राम भार्गव ओब्लिक कुमार के रूप में पन्ना खन्ना, जूली के रूप में पीटर के रूप में रंजीत, मनमोहन कृष्ण केदारनाथ भार्गव के रूप में सुलोचना लटकर, लक्ष्मी भार्गव के रूप में राज मेहरा, महापौर चौधरी के रूप में छगन लाल पांडे के रूप में रूपेश कुमार, रमेश देव के रूप में प्रकाश वर्मा, रतनलाल वर्मा के रूप में रणधीर फरियाल, कैबरी डांसर के रूप में श्याम कुमार, लुइस डिसूजा के रूप में बीजू खोटे, माइकल के रूप में राम के अपहरणकर्ता के रूप में रामायण तिवारी, भूषण तिवारी भूषण के रूप में पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में रणधीर राज, संगीत गीत काहे अपने के रूसी संगीतकार सरगेई प्रोकोफेव द्वारा लेफ्टिनेंट कीजे सूट से रोमांस थीम का नमूना है। गाना नंबर एक अलविदा रे रुक जाना, इस गाने की गायिका लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर दो गुम है किसी के प्यार में दिल सोए शाम, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर और किशोर कुमार हैं। गाना नंबर तीन प्यार का समय कम है जहां लड़के हैं लोग कैसे वहां क्यों मेरे यार, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी हैं। गाना नंबर चार रामपुर का वासी हूँ, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर पाँच काहे अपनों के एकल, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर छः काहे अपनों के काम नहीं आए तू डुएट, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर सात सांवला रंग है मेरा, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको रामपुर का लक्ष्मण मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। रामपुर का लक्ष्मण, रामपुर का लक्ष्मण 1972 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांस ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन मनमोहन देसाई ने किया है। 1978 में फिल्म का तमिल में पुनर्निर्माण किया गया, जिसका शीर्षक मंगुड़ी माइनर था। निर्देशक मनमोहन देसाई द्वारा निर्मित ए नाडियाडवाला, अभिनीत रणधीर कपूर, रेखा शत्रुघ्न सिन्हा, छायांकन सुधीन मजुमदार द्वारा संपादित कमलाकर करखानेस, संगीत दिया है आर डी बर्मन द्वारा वितरित एजी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड, रिलीज की तारीख 1972, देश भारत, भाषा हिंदी। सार केदारनाथ भार्गव उनकी पत्नी लक्ष्मी और दो बेटे राम और लक्ष्मण बेघर हैं। यात्रा के दौरान उनकी ट्रेन पटरी से उतर जाती है और लक्ष्मण तीन समूह में बढ़ जाता है। लक्ष्मी बॉम्बे की मेयर और उनकी बेटी रेखा के घर में नौकरानी के रूप में काम करती है। राम का एक पेशेवर अपराधी द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। केदारनाथ और लक्ष्मण साथ हैं। रतनलाल वर्मा प्रकाश नाम के एक बेटे के साथ एक दयालु व्यक्ति लक्ष्मण के बचाव में आता है। एक ट्रक द्वारा चलाया जाता है और अपंग हो जाता है। केदारनाथ और लक्ष्मण रतनलाल के गांव रामपुर में स्थानांतरित हो जाते हैं और वे एक परिवार के रूप में एक साथ रहते हैं। वर्षों बाद प्रकाश बड़ा होता है और बम्बई चला जाता है, जहां उसे एक जौहरी के यहां रोज़गार मिलता है। जब रतनलाल ने दो महीने
तक उसकी बात नहीं मानी तो उसने लक्ष्मण को बम्बई जाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि प्रकाश ठीक है। बम्बई पहुंचने पर लक्ष्मण को पता चलता है कि प्रकाश को पुलिस ने कुंदन कुमार नाम के एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। बाद में उसे दोषी पाया गया और उसे फांसी की सज़ा दी गई। लक्ष्मण यह पता लगाने का जिम्मा अपने ऊपर लेते हैं कि वास्तव में कुंदन को किसने मारा था। वह लुई डिसूजा का वेश धारण करता है और खुद को सर्प गिरोह में शामिल कर लेता है। लक्ष्मण नहीं जानता कि इस गिरोह का सरगना कुमार कोई और नहीं बल्कि उसका भाई राम है। जब लक्ष्मण को पता चलता है तो उन्हें एक विकल्प चुनना चाहिए, चाहे निर्दोष प्रकाश को फांसी पर चढ़ाया जाए या अपने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया जाए। देखना, लक्ष्मण भार्गव के रूप में रणधीर कपूर, रेखा के रूप में रेखा चौधरी, शत्रुघ्न सिन्हा, राम भार्गव ओब्लिक कुमार के रूप में पन्ना खन्ना, जूली के रूप में पीटर के रूप में रंजीत, मनमोहन कृष्ण केदारनाथ भार्गव के रूप में सुलोचना लटकर, लक्ष्मी भार्गव के रूप में राज मेहरा, महापौर चौधरी के रूप में छगन लाल पांडे के रूप में रूपेश कुमार, रमेश देव के रूप में प्रकाश वर्मा, रतनलाल वर्मा के रूप में रणधीर फरियाल, कैबरी डांसर के रूप में श्याम कुमार, लुइस डिसूजा के रूप में बीजू खोटे, माइकल के रूप में राम के अपहरणकर्ता के रूप में रामायण तिवारी, भूषण तिवारी भूषण के रूप में पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में रणधीर राज, संगीत गीत काहे अपने के रूसी संगीतकार सरगेई प्रोकोफेव द्वारा लेफ्टिनेंट कीजे सूट से रोमांस थीम का नमूना है। गाना नंबर एक अलविला रे रुक जाना, इस गाने की गायिका लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर दो गुम है किसी के प्यार में दिल सोए शाम, इस गाने के गायिकार लता मंगेशकर और किशोर कुमार हैं। गाना नंबर तीन प्यार का समय कम है जहां लड़के हैं लोग कैसे वहां क्यों मेरे यार, इस गाने के गायिका लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी हैं। गाना नंबर चार रामपुर का वासी हूँ, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर पाँच काहे अपनों के एकल, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर छः काहे अपनों के काम नहीं आए तू डुएट, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर सात सांवला रंग है मेरा, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको रामपुर का लक्ष्मण मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। रामपुर का लक्ष्मण, रामपुर का लक्ष्मण 1972 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांस ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मनमोहन देसाई ने किया है। 1978 में फिल्म का तमिल में पुनर्निर्माण किया गया जिसका शीर्षक मंगुड़ी माइनर था। निर्देशक मनमोहन देसाई द्वारा निर्मित ए नाडियाडवाला, अभिनीत रणधीर कपूर, रेखा शत्रुघ्न सिन्हा, छायांकन सुधीन मजुमदार द्वारा संपादित कमलाकर करखाने, संगीत दिया है आर डी बर्मन द्वारा वितरित एजी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड। रिलीज की तारीख 1972। देश भारत। भाषा हिंदी। सार केदारनाथ भार्गव, उनकी पत्नी लक्ष्मी और दो बेटे राम और लक्ष्मण बेघर हैं। यात्रा के दौरान उनकी ट्रेन पटरी से उतर जाती है और लक्ष्मण
तीन समूह में बढ़ जाता है। लक्ष्मी बॉम्बे की मेयर और उनकी बेटी रेखा के घर में नौकरानी के रूप में काम करती है। राम का एक पेशेवर अपराधी द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। केदारनाथ और लक्ष्मण साथ हैं। रतनलाल वर्मा प्रकाश नाम के एक बेटे के साथ एक दयालु व्यक्ति लक्ष्मण के बचाव में आता है। एक ट्रक द्वारा जलाया जाता है और अपंग हो जाता है। केदारनाथ और लक्ष्मण रतनलाल के गांव रामपुर में स्थानांतरित हो जाते हैं और वे एक परिवार के रूप में एक साथ रहते हैं। वर्षों बाद प्रकाश बड़ा होता है और बम्बई चला जाता है, जहां उसे एक जौहरी के यहां रोज़गार मिलता है। जब रतनलाल ने 2 महीने तक उसकी बात नहीं मानी तो उसने लक्ष्मण को बम्बई जाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि प्रकाश ठीक है। बम्बई पहुंचने पर लक्ष्मण को पता चलता है कि प्रकाश को पुलिस ने कुंदन कुमार नाम के एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। बाद में उसे दोषी पाया गया और उसे फांसी की सजा दी गई। लक्ष्मण यह पता लगाने का जिम्मा अपने ऊपर लेते हैं कि वास्तव में कुंदन को किसने मारा था। वह लुई डिसूजा का वेश धारण करता है और खुद को सर्प गिरोह में शामिल कर लेता है। लक्ष्मण नहीं जानता कि इस गिरोह का सरगना कुमार कोई और नहीं बल्कि उसका भाई राम है। जब लक्ष्मण को पता चलता है तो उन्हें एक विकल्प चुनना चाहिए, चाहे निर्दोष प्रकाश को फांसी पर चढ़ाया जाए या अपने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया जाए। देखना, लक्ष्मण भार्गव के रूप में रणधीर कपूर, रेखा के रूप में रेखा चौधरी, शत्रुघ्न सिन्हा, राम भार्गव ओब्लिक कुमार के रूप में पन्ना खन्ना, जूली के रूप में पीटर के रूप में रंजीत, मनमोहन कृष्ण केदारनाथ भार्गव के रूप में सुलोचना लटकर, लक्ष्मी भार्गव के रूप में राज मेहरा, महापौर चौधरी के रूप में छगन लाल पांडे के रूप में रूपेश कुमार, रमेश देव के रूप में प्रकाश वर्मा, रतनलाल वर्मा के रूप में रणधीर फरियाल, कैबरी डांसर के रूप में श्याम कुमार, लुइस डिसूजा के रूप में बीजू खोटे, माइकल के रूप में राम के अपहरणकर्ता के रूप में रामायण तिवारी, भूषण तिवारी भूषण के रूप में पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में रणधीर राज, संगीत गीत काहे अपने के रूसी संगीतकार सरगेई प्रोकोफेव द्वारा लेफ्टिनेंट कीजे सूट से रोमांस थीम का नमूना है। गाना नंबर 1 अलविला रे रुक जाना, इस गाने की गायिका लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 2 गुम है किसी के प्यार में दिल सोए शाम, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर और किशोर कुमार हैं। गाना नंबर 3 प्यार का समय कम है जहां लड़के हैं लोग कैसे वहां क्यों मेरे यार, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी हैं। गाना नंबर 4 रामपुर का वासी हूँ, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर 5 काहे अपनों के एकल, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर 6 काहे अपनों के काम नहीं आए तू डुएट, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 7 सांवला रंग है मेरा, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको रामपुर का लक्ष्मण मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। रामपुर का लक्ष्मण 1972 की भारतीय हिंदी भाषा की
रोमांस ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मनमोहन देसाई ने किया है। 1978 में फिल्म का तमिल में पुनर्निर्माण किया गया जिसका शीर्षक मंगुड़ी माइनर था। निर्देशक मनमोहन देसाई द्वारा निर्मित ए नाडियाडवाला, अभिनीत रणधीर कपूर, रेखा शत्रुघ्न सिन्हा, छायांकन सुधीन मजुमदार द्वारा संपादित कमलाकर करखाने, संगीत दिया है आर डी बर्मन द्वारा वितरित एजी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड। रिलीज की तारीख 1972। देश भारत। भाषा हिंदी। सार: केदारनाथ भार्गव, उनकी पत्नी लक्ष्मी और दो बेटे राम और लक्ष्मण बेघर हैं। यात्रा के दौरान उनकी ट्रेन पटरी से उतर जाती है और लक्ष्मण तीन समूह में बढ़ जाता है। लक्ष्मी बॉम्बे की मेयर और उनकी बेटी रेखा के घर में नौकरानी के रूप में काम करती है। राम का एक पेशेवर अपराधी द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। केदारनाथ और लक्ष्मण साथ हैं। रतनलाल वर्मा प्रकाश नाम के एक बेटे के साथ एक दयालु व्यक्ति लक्ष्मण के बचाव में आता है। एक ट्रक द्वारा चलाया जाता है और अपंग हो जाता है। केदारनाथ और लक्ष्मण रतनलाल के गांव रामपुर में स्थानांतरित हो जाते हैं और वे एक परिवार के रूप में एक साथ रहते हैं। वर्षों बाद प्रकाश बड़ा होता है और बम्बई चला जाता है जहां उसे एक जौहरी के यहां रोज़गार मिलता है। जब रतनलाल ने दो महीने तक उसकी बात नहीं मानी तो उसने लक्ष्मण को बम्बई जाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि प्रकाश ठीक है। बम्बई पहुंचने पर लक्ष्मण को पता चलता है कि प्रकाश को पुलिस ने कुंदन कुमार नाम के एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। बाद में उसे दोषी पाया गया और उसे फांसी की सजा दी गई। लक्ष्मण यह पता लगाने का जिम्मा अपने ऊपर लेते हैं कि वास्तव में कुंदन को किसने मारा था। वह लुई डिसूजा का वेश धारण करता है और खुद को सर्प गिरोह में शामिल कर लेता है। लक्ष्मण नहीं जानता कि इस गिरोह का सरगना कुमार कोई और नहीं बल्कि उसका भाई राम है। जब लक्ष्मण को पता चलता है तो उन्हें एक विकल्प चुनना चाहिए, चाहे निर्दोष प्रकाश को फांसी पर चढ़ाया जाए या अपने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया जाए। देखना लक्ष्मण भार्गव के रूप में रणधीर कपूर, रेखा के रूप में रेखा चौधरी, शत्रुघ्न सिन्हा, राम भार्गव ओब्लिक कुमार के रूप में पन्ना खन्ना, जूली के रूप में पीटर के रूप में रंजीत, मनमोहन कृष्ण केदारनाथ भार्गव के रूप में सुलोचना लटकर, लक्ष्मी भार्गव के रूप में राज मेहरा, महापौर चौधरी के रूप में छगन लाल पांडे के रूप में रूपेश कुमार, रमेश देव के रूप में प्रकाश वर्मा, रतनलाल वर्मा के रूप में रणधीर फरियाल, कैबरी डांसर के रूप में श्याम कुमार, लुइस डिसूजा के रूप में बीजू खोटे, माइकल के रूप में राम के अपहरणकर्ता के रूप में रामायण तिवारी, भूषण तिवारी भूषण के रूप में पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में रणधीर राज। संगीत: गीत काहे अपने के रूसी संगीतकार सरगेई प्रोकोफेव द्वारा लेफ्टिनेंट कीजे सूट से रोमांस थीम का नमूना है। गाना नंबर एक अलविला रे रुक जाना, इस गाने की गायिका लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर दो गुम है किसी के प्यार में दिल सोए शाम, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर और किशोर कुमार हैं। गाना नंबर तीन प्यार का समय कम है जहां लड़के हैं लोग कैसे वहां क्यों मेरे यार, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी हैं। गाना नंबर चार रामपुर का वासी हूँ, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर पाँच काहे अपनों के एकल, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर छः काहे अपनों के काम नहीं आए तू डुएट, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर सात सांवला रंग है मेरा, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको रामपुर का लक्ष्मण मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। रामपुर का लक्ष्मण। रामपुर का लक्ष्मण 1972 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांस ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन मनमोहन देसाई ने किया है। 1978 में फिल्म का तमिल में पुनर्निर्माण किया गया, जिसका शीर्षक मंगुड़ी माइनर था। निर्देशक मनमोहन देसाई द्वारा निर्मित ए नाडियाडवाला, अभिनीत रणधीर कपूर, रेखा शत्रुघ्न सिन्हा, छायांकन सुधीन मजुमदार द्वारा संपादित कमलाकर करखानेस, संगीत दिया है आर डी बर्मन द्वारा वितरित एजी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड। रिलीज की तारीख 1972। देश भारत। भाषा हिंदी। सार: केदारनाथ भार्गव, उनकी पत्नी लक्ष्मी और दो बेटे राम और लक्ष्मण बेघर हैं। यात्रा के दौरान उनकी ट्रेन पटरी से उतर जाती है और लक्ष्मण तीन समूह में बढ़ जाता है। लक्ष्मी बॉम्बे की मेयर और उनकी बेटी रेखा के घर में नौकरानी के रूप में काम करती है। राम का एक पेशेवर अपराधी द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। केदारनाथ और लक्ष्मण साथ हैं। रतनलाल वर्मा प्रकाश नाम के एक बेटे के साथ एक दयालु व्यक्ति लक्ष्मण के बचाव में आता है। एक ट्रक द्वारा चलाया जाता है और अपंग हो जाता है। केदारनाथ और लक्ष्मण रतनलाल के गांव रामपुर में स्थानांतरित हो जाते हैं और वे एक परिवार के रूप में एक साथ रहते हैं। वर्षों बाद प्रकाश बड़ा होता है और बम्बई चला जाता है, जहां उसे एक जौहरी के यहां रोज़गार मिलता है। जब रतनलाल ने दो महीने तक उसकी बात नहीं मानी तो उसने लक्ष्मण को बम्बई जाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि प्रकाश ठीक है। बम्बई पहुंचने पर लक्ष्मण को पता चलता है कि प्रकाश को पुलिस ने कुंदन कुमार नाम के एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। बाद में उसे दोषी पाया गया और उसे फांसी की सजा दी गई। लक्ष्मण यह पता लगाने का जिम्मा अपने ऊपर लेते हैं कि वास्तव में कुंदन को किसने मारा था। वह लुई डिसूजा का वेश धारण करता है और खुद को सर्प गिरोह में शामिल कर लेता है। लक्ष्मण नहीं जानता कि इस गिरोह का सरगना कुमार कोई और नहीं बल्कि उसका भाई राम है। जब लक्ष्मण को पता चलता है तो उन्हें एक विकल्प चुनना चाहिए, चाहे निर्दोष प्रकाश को फांसी पर चढ़ाया जाए या अपने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया जाए। देखना, लक्ष्मण भार्गव के रूप में रणधीर कपूर, रेखा के रूप में रेखा चौधरी, शत्रुघ्न सिन्हा, राम भार्गव ओब्लिक कुमार के रूप में पन्ना खन्ना, जूली के रूप में पीटर के रूप में रंजीत, मनमोहन कृष्ण केदारनाथ भार्गव के रूप में सुलोचना लटकर, लक्ष्मी भार्गव के रूप में राज मेहरा, महापौर चौधरी के रूप में छगन लाल पांडे के रूप में रूपेश कुमार, रमेश देव के रूप में प्रकाश वर्मा, रतनलाल वर्मा के रूप में रणधीर फरियाल, कैबरी डांसर के रूप में श्याम कुमार, लुइस डिसूजा के रूप में बीजू खोटे, माइकल के रूप में राम के अपहरणकर्ता के रूप में रामायण तिवारी, भूषण तिवारी भूषण के रूप में पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में रणधीर राज, संगीत गीत काहे अपने के रूसी संगीतकार सरगेई प्रोकोफेव द्वारा लेफ्टिनेंट कीजे सूट से रोमांस थीम का नमूना है। गाना नंबर एक अलविला रे रुक जाना, इस गाने की गायिका लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर दो गुम है किसी के प्यार में दिल सोए शाम, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर और किशोर कुमार हैं। गाना नंबर तीन प्यार का समय कम है जहां लड़के हैं लोग कैसे वहां क्यों मेरे यार, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी हैं।
गाना नंबर 4 रामपुर का वासी हूँ, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर 5 काहे अपनों के एकल, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर 6 काहे अपनों के काम नहीं आए तू डुएट, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 7 सांवला रंग है मेरा, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको रामपुर का लक्ष्मण मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। रामपुर का लक्ष्मण। रामपुर का लक्ष्मण 1972 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांस ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन मनमोहन देसाई ने किया है। 1978 में फिल्म का तमिल में पुनर्निर्माण किया गया, जिसका शीर्षक मंगुड़ी माइनर था। निर्देशक मनमोहन देसाई द्वारा निर्मित ए नाडियाडवाला, अभिनीत रणधीर कपूर, रेखा शत्रुघ्न सिन्हा, छायांकन सुधीन मजुमदार द्वारा संपादित कमलाकर करखानेस, संगीत दिया है आरडी बर्मन द्वारा वितरित एजी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड। रिलीज की तारीख 1972। देश भारत। भाषा हिंदी। सार केदारनाथ भार्गव, उनकी पत्नी लक्ष्मी और दो बेटे राम और लक्ष्मण बेघर हैं। यात्रा के दौरान उनकी ट्रेन पटरी से उतर जाती है और लक्ष्मण 3 समूह में बढ़ जाता है। लक्ष्मी बॉम्बे की मेयर और उनकी बेटी रेखा के घर में नौकरानी के रूप में काम करती है। राम का एक पेशेवर अपराधी द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। केदारनाथ और लक्ष्मण साथ हैं। रतनलाल वर्मा प्रकाश नाम के एक बेटे के साथ एक दयालु व्यक्ति लक्ष्मण के बचाव में आता है। एक ट्रक द्वारा चलाया जाता है और अपंग हो जाता है। केदारनाथ और लक्ष्मण रतनलाल के गांव रामपुर में स्थानांतरित हो जाते हैं और वे एक परिवार के रूप में एक साथ रहते हैं। वर्षों बाद प्रकाश बड़ा होता है और बम्बई चला जाता है, जहां उसे एक जौहरी के यहां रोज़गार मिलता है। जब रतनलाल ने 2 महीने तक उसकी बात नहीं मानी तो उसने लक्ष्मण को बम्बई जाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि प्रकाश ठीक है। बम्बई पहुंचने पर लक्ष्मण को पता चलता है कि प्रकाश को पुलिस ने कुंदन कुमार नाम के एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। बाद में उसे दोषी पाया गया और उसे फांसी की सजा दी गई। लक्ष्मण यह पता लगाने का जिम्मा अपने ऊपर लेते हैं कि वास्तव में कुंदन को किसने मारा था। वह लुई डिसूजा का वेश धारण करता है और खुद को सर्प गिरोह में शामिल कर लेता है। लक्ष्मण नहीं जानता कि इस गिरोह का सरगना कुमार कोई और नहीं बल्कि उसका भाई राम है। जब लक्ष्मण को पता चलता है तो उन्हें एक विकल्प चुनना चाहिए, चाहे निर्दोष प्रकाश को फांसी पर चढ़ाया जाए या अपने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया जाए। देखना लक्ष्मण भार्गव के रूप में रणधीर कपूर, रेखा के रूप में रेखा चौधरी, शत्रुघ्न सिन्हा, राम भार्गव ओब्लिक कुमार के रूप में पन्ना खन्ना, जूली के रूप में पीटर के रूप में रंजीत, मनमोहन कृष्ण केदारनाथ भार्गव के रूप में सुलोचना लटकर, लक्ष्मी भार्गव के रूप में राज मेहरा, महापौर चौधरी के रूप में छगन लाल पांडे के रूप में रूपेश कुमार, रमेश देव के रूप में प्रकाश वर्मा, रतनलाल वर्मा के रूप में रणधीर फरियाल, कैबरी डांसर के रूप में श्याम कुमार, लुइस डिसूजा के रूप में बीजू खोटे, माइकल के रूप में राम के अपहरणकर्ता के रूप में रामायण तिवारी, भूषण तिवारी भूषण के रूप में
पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में रणधीर राज संगीत गीत काहे अपने के रूसी संगीतकार सरगेई प्रोकोफेव द्वारा लेफ्टिनेंट कीजे सूट से रोमांस थीम का नमूना है। गाना नंबर एक अलविला रे रुक जाना, इस गाने की गायिका लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर दो गुम है किसी के प्यार में दिल सोए शाम, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर और किशोर कुमार हैं। गाना नंबर तीन प्यार का समय कम है जहां लड़के हैं लोग कैसे वहां क्यों मेरे यार, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी हैं। गाना नंबर चार रामपुर का वासी हूँ, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर पाँच काहे अपनों के एकल, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर छः काहे अपनों के काम नहीं आए तू डुएट, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर सात सांवला रंग है मेरा, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको रामपुर का लक्ष्मण मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। रामपुर का लक्ष्मण, रामपुर का लक्ष्मण 1972 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांस ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मनमोहन देसाई ने किया है। 1978 में फिल्म का तमिल में पुनर्निर्माण किया गया जिसका शीर्षक मंगुड़ी माइनर था। निर्देशक मनमोहन देसाई द्वारा निर्मित ए नाडियाडवाला, अभिनीत रणधीर कपूर, रेखा शत्रुघ्न सिन्हा, छायांकन सुधीन मजुमदार द्वारा संपादित कमलाकर करखानेस, संगीत दिया है आरडी वर्मन द्वारा वितरित एजी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड। रिलीज की तारीख 1972। देश भारत। भाषा हिंदी। सार केदारनाथ भार्गव, उनकी पत्नी लक्ष्मी और दो बेटे राम और लक्ष्मण बेघर हैं। यात्रा के दौरान उनकी ट्रेन पटरी से उतर जाती है और लक्ष्मण तीन समूह में बढ़ जाता है। लक्ष्मी बॉम्बे की मेयर और उनकी बेटी रेखा के घर में नौकरानी के रूप में काम करती है। राम का एक पेशेवर अपराधी द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। केदारनाथ और लक्ष्मण साथ हैं। रतनलाल वर्मा प्रकाश नाम के एक बेटे के साथ एक दयालु व्यक्ति लक्ष्मण के बचाव में आता है। एक ट्रक द्वारा चलाया जाता है और अपंग हो जाता है। केदारनाथ और लक्ष्मण रतनलाल के गांव रामपुर में स्थानांतरित हो जाते हैं और वे एक परिवार के रूप में एक साथ रहते हैं। वर्षों बाद प्रकाश बड़ा होता है और बम्बई चला जाता है जहां उसे एक जौहरी के यहां रोज़गार मिलता है। जब रतनलाल ने दो महीने तक उसकी बात नहीं मानी तो उसने लक्ष्मण को बम्बई जाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि प्रकाश ठीक है। बम्बई पहुंचने पर लक्ष्मण को पता चलता है कि प्रकाश को पुलिस ने कुंदन कुमार नाम के एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। बाद में उसे दोषी पाया गया और उसे फांसी की सजा दी गई। लक्ष्मण यह पता लगाने का जिम्मा अपने ऊपर लेते हैं कि वास्तव में कुंदन को किसने मारा था। वह लुई डिसूजा का वेश धारण करता है और खुद को सर्प गिरोह में शामिल कर लेता है। लक्ष्मण नहीं जानता कि इस गिरोह का सरगना कुमार कोई और नहीं बल्कि उसका भाई राम है। जब लक्ष्मण को पता चलता है तो उन्हें एक विकल्प चुनना चाहिए, चाहे निर्दोष प्रकाश को फांसी पर चढ़ाया जाए या अपने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया जाए। देखना लक्ष्मण भार्गव के रूप में रणधीर कपूर,
रेखा के रूप में रेखा चौधरी, शत्रुघ्न सिन्हा, राम भार्गव ओब्लिक कुमार के रूप में पन्ना खन्ना, जूली के रूप में पीटर के रूप में रंजीत, मनमोहन कृष्ण केदारनाथ भार्गव के रूप में सुलोचना लटकर, लक्ष्मी भार्गव के रूप में राज मेहरा, महापौर चौधरी के रूप में छगन लाल पांडे के रूप में रूपेश कुमार, रमेश देव के रूप में प्रकाश वर्मा, रतनलाल वर्मा के रूप में रणधीर फरियाल, कैबरी डांसर के रूप में श्याम कुमार, लुइस डिसूजा के रूप में बीजू खोटे, माइकल के रूप में राम के अपहरणकर्ता के रूप में रामायण तिवारी, भूषण तिवारी भूषण के रूप में पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में रणधीर राज, संगीत गीत काहे अपने के रूसी संगीतकार सरगेई प्रोकोफेव द्वारा लेफ्टिनेंट कीजे सूट से रोमांस थीम का नमूना है। गाना नंबर एक अलविला रे रुक जाना, इस गाने की गायिका लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर दो गुम है किसी के प्यार में दिल सोए शाम, इस गाने के गायिकार लता मंगेशकर और किशोर कुमार हैं। गाना नंबर तीन प्यार का समय कम है जहां लड़के हैं लोग कैसे वहां क्यों मेरे यार, इस गाने के गायिका लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी हैं। गाना नंबर चार रामपुर का वासी हूँ, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर पाँच काहे अपनों के एकल, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर छः काहे अपनों के काम नहीं आए तू डुएट, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर सात सांवला रंग है मेरा, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको रामपुर का लक्ष्मण मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। रामपुर का लक्ष्मण, रामपुर का लक्ष्मण 1972 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांस ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मनमोहन देसाई ने किया है। 1978 में फिल्म का तमिल में पुनर्निर्माण किया गया जिसका शीर्षक मंगुड़ी माइनर था। निर्देशक मनमोहन देसाई द्वारा निर्मित ए नाडियाडवाला, अभिनीत रणधीर कपूर, रेखा शत्रुघ्न सिन्हा, छायांकन सुधीन मजुमदार द्वारा संपादित कमलाकर करखानेस, संगीत दिया है आरडी बर्मन द्वारा वितरित एजी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड, रिलीज की तारीख 1972, देश भारत, भाषा हिंदी। सार केदारनाथ भार्गव उनकी पत्नी लक्ष्मी और दो बेटे राम और लक्ष्मण बेघर हैं। यात्रा के दौरान उनकी ट्रेन पटरी से उतर जाती है और लक्ष्मण तीन समूह में बढ़ जाता है। लक्ष्मी बॉम्बे की मेयर और उनकी बेटी रेखा के घर में नौकरानी के रूप में काम करती है। राम का एक पेशेवर अपराधी द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। केदारनाथ और लक्ष्मण साथ हैं। रतनलाल वर्मा प्रकाश नाम के एक बेटे के साथ एक दयालु व्यक्ति लक्ष्मण के बचाव में आता है। एक ट्रक द्वारा चलाया जाता है और अपंग हो जाता है। केदारनाथ और लक्ष्मण रतनलाल के गांव रामपुर में स्थानांतरित हो जाते हैं और वे एक परिवार के रूप में एक साथ रहते हैं। वर्षों बाद प्रकाश बड़ा होता है और बम्बई चला जाता है जहां उसे एक जौहरी के यहां रोज़गार मिलता है। जब रतनलाल ने दो महीने
तक उसकी बात नहीं मानी तो उसने लक्ष्मण को बम्बई जाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि प्रकाश ठीक है। बम्बई पहुंचने पर लक्ष्मण को पता चलता है कि प्रकाश को पुलिस ने कुंदन कुमार नाम के एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। बाद में उसे दोषी पाया गया और उसे फांसी की सजा दी गई। लक्ष्मण यह पता लगाने का जिम्मा अपने ऊपर लेते हैं कि वास्तव में कुंदन को किसने मारा था। वह लुई डिसूजा का भेष धारण करता है और खुद को सर्प गिरोह में शामिल कर लेता है। लक्ष्मण नहीं जानता कि इस गिरोह का सरगना कुमार कोई और नहीं बल्कि उसका भाई राम है। जब लक्ष्मण को पता चलता है तो उन्हें एक विकल्प चुनना चाहिए, चाहे निर्दोष प्रकाश को फांसी पर चढ़ाया जाए या अपने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया जाए। देखना लक्ष्मण भार्गव के रूप में रणधीर कपूर, रेखा के रूप में रेखा चौधरी, शत्रुघ्न सिन्हा, राम भार्गव ओब्लिक कुमार के रूप में पन्ना खन्ना, जूली के रूप में पीटर के रूप में रंजीत, मनमोहन कृष्ण केदारनाथ भार्गव के रूप में सुलोचना लटकर, लक्ष्मी भार्गव के रूप में राज मेहरा, महापौर चौधरी के रूप में छगन लाल पांडे के रूप में रूपेश कुमार, रमेश देव के रूप में प्रकाश वर्मा, रतनलाल वर्मा के रूप में रणधीर फरियाल, कैबरी डांसर के रूप में श्याम कुमार, लुइस डिसूजा के रूप में बीजू खोटे, माइकल के रूप में राम के अपहरणकर्ता के रूप में रामायण तिवारी, भूषण तिवारी भूषण के रूप में पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में रणधीर राज, संगीत गीत काहे अपने के रूसी संगीतकार सरगेई प्रोकोफेव द्वारा लेफ्टिनेंट कीजे सूट से रोमांस थीम का नमूना है। गाना नंबर एक अलविला रे रुक जाना, इस गाने की गायिका लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर दो गुम है किसी के प्यार में दिल सोए शाम, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर और किशोर कुमार हैं। गाना नंबर तीन प्यार का समय कम है जहां लड़के हैं लोग कैसे वहां क्यों मेरे यार, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी हैं। गाना नंबर चार रामपुर का वासी हूँ, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर पाँच काहे अपनों के एकल, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर छः काहे अपनों के काम नहीं आए तू डुएट, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर सात सांवला रंग है मेरा, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको रामपुर का लक्ष्मण मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। रामपुर का लक्ष्मण, रामपुर का लक्ष्मण 1972 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांस ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मनमोहन देसाई ने किया है। 1978 में फिल्म का तमिल में पुनर्निर्माण किया गया जिसका शीर्षक मंगुड़ी माइनर था। निर्देशक मनमोहन देसाई द्वारा निर्मित ए नाडियाडवाला, अभिनीत रणधीर कपूर, रेखा, शत्रुघ्न सिन्हा, छायांकन सुधीन मजुमदार द्वारा संपादित कमलाकर करखानेस, संगीत दिया है आर डी बर्मन द्वारा वितरित एजी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड, रिलीज की तारीख 1972, देश भारत, भाषा हिंदी। सार केदारनाथ भार्गव उनकी पत्नी लक्ष्मी और दो बेटे राम और लक्ष्मण बेघर हैं। यात्रा के दौरान उनकी ट्रेन पटरी से उतर जाती है और लक्ष्मण
तीन समूह में बढ़ जाता है। लक्ष्मी बॉम्बे की मेयर और उनकी बेटी रेखा के घर में नौकरानी के रूप में काम करती है। राम का एक पेशेवर अपराधी द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। केदारनाथ और लक्ष्मण साथ हैं। रतनलाल वर्मा प्रकाश नाम के एक बेटे के साथ एक दयालु व्यक्ति लक्ष्मण के बचाव में आता है। एक ट्रक द्वारा चलाया जाता है और अपंग हो जाता है। केदारनाथ और लक्ष्मण रतनलाल के गांव रामपुर में स्थानांतरित हो जाते हैं और वे एक परिवार के रूप में एक साथ रहते हैं। वर्षों बाद प्रकाश बड़ा होता है और बम्बई चला जाता है, जहां उसे एक जौहरी के यहां रोज़गार मिलता है। जब रतनलाल ने 2 महीने तक उसकी बात नहीं मानी तो उसने लक्ष्मण को बम्बई जाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि प्रकाश ठीक है। बम्बई पहुंचने पर लक्ष्मण को पता चलता है कि प्रकाश को पुलिस ने कुंदन कुमार नाम के एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। बाद में उसे दोषी पाया गया और उसे फांसी की सजा दी गई। लक्ष्मण यह पता लगाने का जिम्मा अपने ऊपर लेते हैं कि वास्तव में कुंदन को किसने मारा था। वह लुई डिसूजा का वेश धारण करता है और खुद को सर्प गिरोह में शामिल कर लेता है। लक्ष्मण नहीं जानता कि इस गिरोह का सरगना कुमार कोई और नहीं बल्कि उसका भाई राम है। जब लक्ष्मण को पता चलता है तो उन्हें एक विकल्प चुनना चाहिए, चाहे निर्दोष प्रकाश को फांसी पर चढ़ाया जाए या अपने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया जाए। देखना लक्ष्मण भार्गव के रूप में रणधीर कपूर, रेखा के रूप में रेखा चौधरी, शत्रुघ्न सिन्हा, राम भार्गव ओब्लिक कुमार के रूप में पन्ना खन्ना, जूली के रूप में पीटर के रूप में रंजीत, मनमोहन कृष्ण केदारनाथ भार्गव के रूप में सुलोचना लटकर, लक्ष्मी भार्गव के रूप में राज मेहरा, महापौर चौधरी के रूप में छगनलाल पांडे के रूप में रूपेश कुमार, रमेश देव के रूप में प्रकाश वर्मा, रतनलाल वर्मा के रूप में रणधीर फरियाल, कैबरी डांसर के रूप में श्याम कुमार, लुइस डिसूजा के रूप में बीजू खोटे, माइकल के रूप में राम के अपहरणकर्ता के रूप में रामायण तिवारी, भूषण तिवारी भूषण के रूप में पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में रणधीर राज, संगीत गीत काहे अपने के रूसी संगीतकार सरगेई प्रोकोफेव द्वारा लेफ्टिनेंट कीजे सूट से रोमांस थीम का नमूना है। गाना नंबर 1 अलविदा रे रुक जाना, इस गाने की गायिका लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 2 गुम है किसी के प्यार में दिल सोए शाम, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर और किशोर कुमार हैं। गाना नंबर 3 प्यार का समय कम है जहां लड़के हैं लोग कैसे वहां क्यों मेरे यार, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी हैं। गाना नंबर 4 रामपुर का वासी हूँ, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर 5 काहे अपनों के एकल, इस गाने के गायकार किशोर कुमार हैं। गाना नंबर 6 काहे अपनों के काम नहीं आए तू डुएट, इस गाने के गायकार किशोर कुमार और आशा भोसले हैं। गाना नंबर 7 सांवला रंग है मेरा, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।